दिनों बाद मनी इज नथिंग पर लाइव आया हूँ। और पहले बता दूँ, इस समय मैं बैंकॉक में हूँ। तो ये काफ़ी दिनों से मैं मतलब मनी इज नथिंग पर लाइव नहीं आया था। ट्रैवल एंड नॉलेज पर तो मैंने अब लाइव आना बंद कर दिया। मेरा चैनल, नया चैनल है आस्क राकेश, पर वहाँ पर मैं गैम्बलिंग की बात नहीं करता हूँ, तो वो आप लोगों के लिए बेकार है। जो भी आप लोगों के कसीनो से जुड़े हुए सवाल हो आप लोग पूछ सकते हो। यहाँ पर मैं सिर्फ कसीनो के ही सवालों के जवाब दूंगा, तो इसलिए और कोई सवाल इधर उधर के मत पूछना। और वहाँ पर मैं कसीनो के सवाल नहीं जवाब देता हूँ, जो मेरे दूसरे चैनल है वहाँ पर मैं कसीनो के बारे में बिल्कुल बात नहीं करता हूँ, गैम्बलिंग के बारे में। तो इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि कई बार आप लोग नोटिफिकेशन आ जाता है, क्योंकि यूट्यूब का AI थोड़ा स्ट्रांग है, वो फेस डिटेक्ट करके आप लोगों को इंप्रेशन भेज देता होगा। आप लोग वहाँ लाइव ज्वाइन करते हो तो कई लोग वहाँ पर कसीनो के सवाल पूछते हैं, तो मैं मना कर देता हूँ कि भाई, तो उनको कई बार बुरा लगता है कि भाई क्यों नहीं बात कर रहा है। तो वो मैंने बताया ना कि ये मेरा एक चैनल है कसीनो को लेके। यहाँ पर आप पूछो जो भी, अगर आपको कुछ भी पूछना हो, आपको डाउट हो, फिकर नॉट। आज मैंने माइक नहीं लगाया क्योंकि कमरा छोटा है, शांत है, शोर है नहीं, तो मैंने कहा माइक की ज़रूरत नहीं है। भाविन खक्कर, हेलो कॉल सेंटर, हेलो सर, माय नेम सुभजीत, सुभजी सुभजीत दास। हेलो सुभजीत दास, हाउ आर यू सर? बैंकॉक में कसीनो है क्या? नहीं, थाईलैंड में कसीनो नहीं है। पहले मैं आप बता भी दूं, क्योंकि कई लोग फिर बाद में भी सवाल पूछते हैं। थाईलैंड में गैम्बलिंग इलीगल है, थाईलैंड में कहीं पर कोई कसीनो नहीं है, थाईलैंड में भी नहीं है और UAE में भी नहीं है। मैं दुबई भी जाता हूँ तो लोग पूछते हैं वहाँ पर, मैं दुबई में भी रहता हूँ जैसे, तो वहाँ पर भी कसीनो नहीं है। और यहाँ पर मैं जानबूझ करके ऐसी कंट्री को चुनता हूँ जहाँ पर कसीनो ना हो, क्योंकि कसीनो होता है तो मैं जाए बगैर रुकूंगा नहीं। क्योंकि भाई जब आपको एक चीज़ आती है तो आप कहोगे यार रोज़ का खर्चा ही निकाल ले, तो फिर क्या होता है, वो एक सिलसिला शुरू हो जाता है। तो मैं सिंगापुर में मैं तकरीबन तकरीबन ऑलमोस्ट रोज़ ही गया हूँ कसीनो, मतलब एक दो चार दिन छोड़ दो तो। मलेशिया में भी गया हूँ मैं, फिलीपींस में भी यही होता था, कसीनो जा रहे हैं। तो मैंने कहा यार ऐसे ही ऐसी कंट्री जाएंगे जहाँ कसीनो ही नहीं होगा। चलो अच्छा, वॉइस क्लियर है, बिना माइक के ही आवाज़ अच्छी आ रही है, क्योंकि कमरा भी ये ना ज़्यादा मतलब ज़्यादा बड़ा कमरा नहीं है। जैसे मेरा दुबई में तो कमरा बहुत बड़ा किंग साइज रूम था वो। ये मेन हार्ट सिटी, जो बैंकॉक में भी जो मेन हार्ट एरिया है, जो वहाँ पर है ये, तो इसको उन्होंने स्वीट का नाम दिया क्योंकि मेन पॉश इलाके में है जहाँ पे लोग मतलब रहना चाहते हैं। तो कुछ सवाल पूछने हो तो आप लोग पूछ सकते हो, बाकी आपकी मर्जी। अच्छे सवाल आएंगे तो जवाब दिए जाने, मतलब जवाब देने में भी मज़ा आता है ना? तो कहाँ थे हम? विक्की राजपूत, सर 14,000 कवर कर सकते हैं क्या धीरे धीरे? विक्की राजपूत, मैं एक सलाह देना चाहता हूँ आपको कि 14,000 रुपये कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है, समझ लेना जेब कट गई या कुछ भी हो गया, क्योंकि 14,000 रिकवर करने जाओगे तो और ज़्यादा पैसे चले जाएंगे, डबल चले जाएंगे। और अगर गलती से रिकवर हो गए तो फिर मैं या कोई अगर आके, कोई भी आकर के आपको बोलेगा तो फिर आप जुआ बंद नहीं कर सकते। एक बात समझ लेना, एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ आपको, कि जुआ हमेशा हारने पर ही छूटता है, जुआ हमेशा लॉस में ही छूटता है, प्रॉफिट में कभी नहीं छूटता, ये बात ध्यान रखना। तो 14,000 रुपये चले गए हैं, इस रास्ते से निकल जाओ, नहीं तो इस तरह से लोग आपको नहीं मिलेंगे बोलने वाले और आप बहक जाओगे। ये 14 की जगह 28 जाएंगे, फिर 28 में गुस्सा आएगा कि 14 पे क्यों नहीं रुका, और वो फिर कब वो 1,40,000 बन जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। धीरे धीरे जो आज लोग लाखों रुपये हार चुके हैं वो ऐसे ही शुरुआत होती है, तो इसको भूल जाओ। इसको कवर, अगर कवर हो गया तो फिर पक्का ही नहीं छोड़ोगे ना, फिर क्यों छोड़ोगे जब जीतना आ गया। तो ऐसे ये सिलसिला शुरू होता है, बाकी आप समझदार हो, आप देख लो आपको कैसे ठीक लगता है। आपने मुझसे पूछा, मैंने आपको बता दिया।
ऐसा नहीं होने वाला कि 14,000 रिकवर हो गए और आप बंद कर दोगे, कभी नहीं हो सकता। इकबाल खान कह रहे हैं 8 लाख हार गया हूँ कैसे पूरे होंगे। बॉस 8 लाख हार गए हो तो 8 लाख रुपए या तो भूल जाओ, अगर नहीं भूल सकते हो तो ये बात समझ लो कि 8 लाख जब हारे हैं, एक दिन में 1 घंटे में तो नहीं हारे होगे, तो कुछ सीखा भी तो होगा, तो उस सीखे के हिसाब से छोटा छोटा विन करो, छोटा छोटा विड्रॉल करो। हमेशा एक बात ध्यान रखना, स्मॉल स्मॉल विन स्मॉल स्मॉल विड्रॉल, ज़्यादा बड़ी रकम बनाने के चक्कर में मत जाओ। आप क्या करते हो जब आप लोग जीत जाते हो जिस दिन, उस दिन आप बड़ी रकम बनाने के चक्कर में वो छोटा भी गवा देते हो, फिर अपना भी गवा देते हो। छोटा छोटा कमाओ ना, कल तो नहीं आप मरने वाले और कल भी कोई जुआ नहीं है बंद होने वाला, तो छोटा छोटा विन करो, छोटा छोटा, और छोटे छोटे विन में भी छोटा छोटा विड्रॉल करते रहो। एक साल विड्रॉल के चक्कर में मत रहो, वो दिमाग में खोपड़ी पर हावी हो जाता है वो। सेकेंड हैंड फोन DMT, मैंने बताया ना थाईलैंड में कसिनो नहीं है, थाईलैंड में गैमलिंग इलीगल है। इन्फो विद जीतू, आउटर बेट से प्रॉफिट में रह सकते हैं क्या, एग्जाम्पल रेड और ब्लैक। आउटर बेट पे तभी, एक बात ध्यान से समझना यार, ये कमाल हो गया यार, 29 लोग देख रहे हैं, सिर्फ 6 लाइक है, मतलब लाइक घट रहे हैं अभी, ये लाइक ज्यादा थे मेरे ख्याल से, कम हो गए यार। मतलब अगर आप लोगों को पसंद ही नहीं आ रहा तो मैं लाइक बंद कर देता हूँ, मतलब घटाओ तो नहीं, अगर बढ़ा नहीं सकते हो तो। बाकी आपकी मर्जी है, मतलब आप क्या सोचते हो कि मतलब आप दूसरे से फायदा ले लोगे, उसको कुछ भी नहीं। मैं आप लोगों को जो बातें बताता हूँ, मैं कोई कोर्स थोड़ी बेच रहा हूँ, मैं आप लोगों से कोई पैसे थोड़ी मांगता हूँ। मैं कभी बोलता हूँ कि मैं वही सवाल लूंगा जो सुपर चैट करेगा मुझे 100 रुपये का, 500 रुपये का, 1000 रुपये का, तो मैं सवाल पढ़ूंगा। मैं 2-2 घंटे यहाँ पे बैठता हूँ, आप जो भी सवाल पूछते हो उसका जवाब देता हूँ, है ना। आप लोगों को ना तो कोई कोर्स बेचता हूँ, ना मैं सब्सक्राइब करने को बोलता हूँ, ना मैं आप लोगों से किसी भी बैकडोर से पैसे मांगता हूँ, ना मैं आप लोगों से क्या बोलते हैं वो सवाल पूछने का, कोई लोग 2-2 हज़ार रुपये मांगते हैं, कोई कहता है कि जी कोर्स बना के हम बताएंगे आपको, फिर वीडियो डाल देते हैं अनलिस्टेड करके, ये पैसा दोगे तो वीडियो आप देख सकते हो। मैं तो ऐसा कुछ नहीं करता, तो बाकी आपकी मर्जी है। आप लोग फिर भी अगर नहीं पसंद आ रहा तो कोई बात नहीं, फिर टाइम क्यों वेस्ट करते हो। क्योंकि यूट्यूब क्या करता है, ये भी दिखा रहा है कि कितने लोग देख रहे हैं, और ये भी दिखाता है स्क्रीन पर कितने लोगों ने लाइक किया। अब 26 लोग देख रहे हैं, 13 लोगों ने लाइक किया है, मतलब आधे लोगों ने लाइक किया है। हाँ, तो सवाल था हमारा थाईलैंड में कसीनो नहीं है। हाँ, जीतू का सवाल का जवाब दे रहा था कि जीतू ने ये पूछा है कि आउटर बेट पे प्रॉफिट आ सकता है क्या। तो मैं आपको बताऊँ, रेड एंड ब्लैक का उन्होंने एग्जांपल दिया। आउटर बेट में क्या होता है, 50-50 का होता है, 51 मान लो कसीनो का है, मतलब 50-50 मान लो मोटा मोटा कि आप जीतोगे या हारोगे, ठीक है। इसमें प्रॉबेबिलिटी 51-49 की होती है। इसमें आपको एक बात ध्यान रखनी है, आउटर बेट जो होती है उसमें प्रॉफिट जो आएगा वो 1:1 आएगा, मतलब अगर आपने आउटर बेट पे 1,000 रुपये लगाए तो जीतने पर आपको 1,000 ही मिलेगा, 1,000 का 1,000 ही मिलेगा। 5,000 लगाए और आपकी बेट आ गई तो वो 5,000 आपको, तो आपका वाला तो मिलेगा मिलेगा, 5 ही मिलेगा, मतलब 1:1, 1 का 1 मिलेगा। 1 का 1 में क्या होता है कि एक ही तरीका है जीतने का, कि बेट बड़ी होगी और 2-3-4 से ज़्यादा होगी नहीं, मतलब बेट बड़ी होनी चाहिए। क्योंकि अगर मान लो आपको चाहिए 5,000 रुपये, मान लो आपने सोचा कि आज ना मैं 5,000 रुपये कमाऊंगा आउटर बेट से, और आप 5,000 रुपये लेकर के आउटर बेट खेलने बैठे हो और बेट लगा रहे हो 500 रुपये की, तो आपको कितनी बेट जीतनी पड़ेगी, 10 बेट जीतनी पड़ेगी, है ना। अब 10 बेट लगातार तो किसी तुर्रम खा के भी नहीं आती आउटर बेट में, वो तो बहुत ही रेयर चांस है ना कि वो रेलगाड़ी चल गई और आप उस रेलगाड़ी में सवार हो गए तो उस दिन आ जाएगी। तो वो एक दिन की बात नहीं कर रहे ना, हम तो ओवरऑल बात कर रहे हैं। एक दिन 1 लाख कमा लोगे, रोज 10-10 हज़ार हार जाओगे, फायदा क्या उसका। तो आउटर बेट के अंदर टारगेट जो भी हो उसके हिसाब से बेट बड़ी होनी चाहिए, 3 या 4 बेट के अंदर आपके प्रॉफिट आ जाना चाहिए, आपका टारगेट अचीव हो जाना चाहिए। मान लो 5,000 रुपये आपको चाहिए तो कम से कम आपकी बेट जो है आउटर बेट 1,500 2,000 की होनी चाहिए, क्योंकि उसमें 1-2 बेट जाएगी भी, जाएगी भी। और इसका खेलने का एक डिफरेंट तरीका होता है, मैंने कई बार बताया वीडियो में, आप चाहो तो पुराने वीडियो जाकर के देख लोगे आपको शायद मिल जाएगा। इसमें बेट डबल करनी होती है पर सिर्फ 2 बार, लोग क्या करते हैं बेट डबल ही करते रहते हैं। इसका एक तरीका होता है आउटर बेट खेलने का, पहली बात तो अमाउंट बड़ा होना चाहिए टारगेट के हिसाब से, जो भी आपने टारगेट सोचा है। अगर आपका 5,000 का टारगेट है तो 500 रुपये में आप नहीं अचीव कर पाओगे, तुक्का होगा वो, किसी दिन एक्सेप्शन केस होगा वो। अगर 5,000 का आपका टारगेट है तो आपकी बेट कम से कम 1,500-2,000 की होनी चाहिए, कि 3-4 बेट अगर आपके फेवर में आ गई तो आपका 5,000 रुपया प्रॉफिट हो जाएगा। दूसरा, 5,000 को कस के पकड़ के मत रखना कि 5,000 ही होना चाहिए।
अगर 5,000 पहले 2-3 बेड लगातार आ गई हो गया तो ठीक है, अगर नहीं हो रहा है तो 5 की जगह 4 हो रहा है, 4.5 हो रहा है, 3.5 हो रहा है, तो भी लेकर के भाग लेना। ये आउटर बेट का तरीका होता है। दूसरा, आउटर बेट में बेट कब डबल होती है आपने अभी ध्यान से समझना, एक बहुत काम की चीज़ बता रहा हूँ, ये मैंने वीडियो में भी बना के डाला, बहुत लोगों को इससे बेनिफिट भी हुआ था। आउटर बेट में क्या होता है, आपने 1,000 रुपये की बेट रखी, मान लो आपने 1,000 रुपये की बेट लगाई, आपकी बेट आ गई, अगर नहीं आती तो क्या होता, आपका 1,000 चले जाता, पर आपकी बेट आ गई। अब आ गई, अब आपके पास कितने हो गए, 2,000 हो गए, आपने 2,000 लगाने हैं, 2,000 लगाने हैं, 2,000 की बेट भी आ गई, आपके पास कितने हो गए, 4,000 रुपये, 4,000 रुपये में से आपने 3,000 रुपये अपनी जेब में डाल लेने हैं। अब आपके पास प्रॉफिट कितना आ गया आपकी जेब में, 2,000 रुपये, 1,000 जो अब लगा रहे हो वो क्या है, वो अभी आपका प्रॉफिट है। आपने 1,000 की बेट लगाई, वो बेट आपने डबल कर दी, 1,000 की बेट आ गई, अभी ये भी बताऊंगा आ गई कैसे, आएगी कैसे, आपने 1,000 रुपये रखे, वो 1,000 रुपये की बेट आ गई, आपके पास 2,000 रुपये हो गए, आपने 2,000 लगाने हैं, 2,000 रुपये वाली बेट अगर आ गई तो आपके पास 4,000 रुपये हो गए, अब 4,000 में से 3,000 रुपये जेब में डालने, वापस 1,000 रुपये आ जाना। अब आपका 1,000 रुपये मूल जो प्रिंसिपल है वो आपकी पॉकेट में और 2,000 रुपये प्रॉफिट है। अब आप जिस 1,000 रुपये से बेट खेल रहे हो वो आपका प्रॉफिट है, गया तो भाड़ में जाए, मुनाफा ही तो गया और उसके अलावा मुनाफा 2,000 जेब में पड़ा है, ठीक है, ये तरीका होता है। दूसरी बात कि भी भाई ये बेट आएगी कैसे, बेट जा भी तो सकती है भाई, अगर बेट जाएगी तो आपका तो 1,000 ही जाएगा, और अगर तो आपने उसके बाद आने के बाद अगर दोबारा लगा दिया डबल करके और तो भी बेट चली गई तो भी आपका 1,000 ही गया, मतलब पहली बेट जाती तो भी आपका 1,000 जाता, दूसरी बेट जाती तो भी आपका 1,000 जाता, वो जो दूसरा 1,000 गया उसको 2,000 का लॉस मत मानना, वो आपका नहीं था, वो तो आपने मुनाफा साथ में ऐड कर दिया ना। अब आती बात कि बेट आएगी कैसे, तो देखो आप लोगों ने बहुत मुंह काला किया जुए के अंदर तो कुछ तो सीखा होगा ना, ये तरीका कभी भी लगातार नहीं अपनाना है और श्योर शॉट बेट पे अपनाना है, ये बात ध्यान देना, नहीं तो ये तरीका काम नहीं करेगा, बाद में मत बोलना कि आपने बोला था काम तो किया नहीं। जैसे आप जब ऑफलाइन कैसीनो में हो तो वहां तो कई सारी टेबल होती, जिस टेबल पर आपको लगेगी ये श्योर शॉट बेट है, आप श्योर हो गए हाँ 90% ये बेट आएगी, मैंने देखा है, मान लो कलर का फ्लो चल रहा है और 2 बार रेड आया है और कलर का ही पैटर्न चल रहा है, तो आपको मालूम है कि यार 3री बार भी कलर ही मारेगा, तब जाके रख दिया, उसके बाद आपने फिर डबल कर दी, चले गया तो आपका 1,000 ही जाएगा, अगर आ गया तो आपका मुनाफा आया, और दूसरी बार अगर आपने फिर रखा और अगर मान लेते अब उसके बाद नहीं आई तो अभी आपका 1,000 ही जाएगा, और अगर आ गई तो सीधा उसमें से 3,000 रुपये जेब में डालो, 1,000 रुपये आप वापस खेलने लगो। इस बार आप खेल रहे हो मुनाफे से और आपके पास अभी मुनाफा है, 1 का तो 3 आप कर चुके हो। केवल ये रूल एप्लीकेबल होगा श्योर शॉट बेट पे, और जरूरी नहीं कि श्योर शॉट बेट लगातार ही आए, बहुत सारे ऐसे लोगों को मैंने देखा है जो आउटर बेट खेलते हैं और उसमें कमाते हैं, वो कैसे कमाते हैं, नेपाल के अंदर मैंने बहुत लोगों को देखा है, चाइनीज लोग, कोरियन लोग, वो एक टेबल पर चिपक के नहीं खेलते हैं, वो ऐसे घूमते रहेंगे घूमते रहेंगे, जैसे मछली मार्केट में घूम रहे होते हैं ऐसे घूमते रहेंगे, जिस और हाथ में उनके चिप होगी, जिस टेबल पर उनको लगेगा कि श्योर शॉट बेट है, वो चाहे बैकरेट की टेबल हो, रूलेट की टेबल हो, रूलेट की आउटर हो या बैकरेट हो, कुछ भी अंदर बाहर हो, कुछ भी हो, जहां उनको लगेगा कि यार ये तरीका मतलब मेरे हिसाब से सही चल रहा है, वहां पे जाके वो बैट रख देंगे, फिर जाकर के कहीं और जाके ढूंढेंगे, फिर ढूंढते रहेंगे कहां पर सही पैटर्न चल रहा है जो श्योर शॉट बैट लगे। हम लोग क्या करते हैं, इंडियंस लोग एक जगह पर जाके चिपक जाते हैं, वहीं लड़ते रहेंगे, उसी टेबल से लड़ते रहेंगे, भाई कब जा चुका है, अब आप जितना लड़ोगे आपके हिसाब से बैट नहीं आने वाली, वो घूमते रहते हैं। आ गई बात ऑनलाइन की, तो ऑनलाइन के अंदर भी आपको लगातार नहीं खेलना है, अगर आप आउटर बैट खेल रहे हो एक बड़ी बैट, आपने जो अमाउंट लेके बैठे हो आपने ये समझना कि भाई मैं 5,000 लेके बैठा हूँ, मुझे 10,000 कमाने, तो मेरे पास 1,000 के 5 मौके हैं, या 1,500 के 3 हैं, और कैसे 1,500 का हो गया, या 1,500 के 2 हो गए, और 1,000 का 1-2 हो गए, 4 मौके हमारे पास, ऐसे डिवाइड करो अपने पैसे को, और एक जगह पे मत करो, एक बैट लगाई 1,000 रुपये की आ गई ठीक है, नहीं आई तो मान लो कि गलती हो गई यार, हमने पहचानने में गड़बड़ कर दी, फिर थोड़ी देर बाद देखते रहो कहाँ पर बैट आ रही। आउटर बैट का तरीका बता रहा हूँ मैं, ये कभी भी चिपक करके एक टेबल पर नहीं खेलना, श्योर शॉट बैट पर ही पैसा लगाना, जितना प्रॉफिट उम्मीद करके आए हो उतने प्रॉफिट के हिसाब से बैट के अमाउंट को भी बढ़ा कर रखना। छोटी बैट रखोगे तो लगातार 10 बैट तो नहीं आने वाली आपकी, तो टारगेट कभी अचीव ही नहीं होगा, तुक्के से कभी कभी हो सकता है। दूसरी बात ये कि 2-3-4 बैट से ज़्यादा नहीं इसमें आपके फेवर में आएंगी। आउटर बैट में बहुत टर्म्स एंड कंडीशन लागू हो जाती है, क्योंकि प्रॉफिट रेशो 1:1 है ना सिर्फ। तो उम्मीद करता हूँ इन्फो विद जीतू आपको कुछ समझ में आया होगा, बाकी आप देख लो।
सुनीता कनल, सर क्या 30 दिन में कंपाउंडिंग करना पॉसिबल है क्या? करके देख लो, 30 दिन कोई बहुत बड़ा लंबा टाइम भी नहीं है, करके देख लो। मेरा तो कंपाउंडिंग को लेकर के क्लियर एक ही विचार है, ये कंपाउंडिंग आपको बर्बाद ही करेगी, धीरे धीरे रोज प्रॉफिट देगी और एक बार में सारा सूपड़ा साफ कर देगी। अगर आपको फिर भी डाउट हो तो एक बार छोटे अमाउंट से करके देख लो, आपको नतीजा सामने दिख जाएगा। भारत भदौरिया, सर क्या आप कैसे हैं? लव यू सर। मैं एकदम बढ़िया हूँ, फिट एंड फाइन हूँ, मौज में हूँ। कसीनो मंथली टारगेट, जय हिंद जय हिंद जय भारत। उमेश बंसल, गैम्बलिंग एडिक्शन कैसे छोड़े? उमेश बंसल, कहते कहते आपको साल भर हो चुका है, कैसे छोड़ोगे? अब तो मान जाओ, छोड़ना तो पड़ेगा, नहीं तो ये किसी लायक नहीं छोड़ेगा आपको। जुए के साथ ये है कि जुए को अगर आपने नहीं छोड़ा तो वो आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। मैं ये जो चीज़ें बताता हूँ ये सिर्फ केवल उन्हीं लोगों के लिए बताता हूँ जिनको लत पड़ गई है, जो छोड़ नहीं सकते, तो कम से कम खेले तो ढंग से कि नुकसान कम हो, मुनाफा हो थोड़ा ज़्यादा, और थोड़ा थोड़ा मुनाफा हो, गिरने की रफ्तार तो कम हो जाए, एंड रिजल्ट तो इसमें जीरो ही है। एंड रिजल्ट तो जीरो ही है इसमें, कुछ भी कर लो, आपसे अच्छा कौन जान सकता है उमेश बंसल। जीनियस प्लेयर, सर गेम रूलेट प्ले करते टाइम कैसे पेशेंस रखें, क्योंकि वन बेट फेल होने के बाद हम डबल ट्रिपल करते हैं और आईडी जीरो पर जाके रुक जाता है। मालूम क्या होता है, आप लोग क्या करते हो, आप लोग खुंदक में खेलते हो, आप लोग इसको, आप लोगों ने इसको बिजनेस नहीं बनाया है, आप लोगों ने इसको खेल बना रखा है कि आएंगे और सीधा सीधा करोड़पति बन जाएंगे, और अगर हमारी बेट चलेगी तो फिर हम फ्रस्ट्रेटेड फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे और फिर हम कसीनो से लड़ेंगे। कसीनो से लड़ना नहीं है, कसीनो को अपने ऊपर हावी मत होने दो, जुए को अपने ऊपर हावी मत होने दो, उसको उसकी औकात में रखो। ले जा, ले क्या लेके जाएगा, लेके क्या जाएगा, तेरी औकात क्या है, ऐसा एटीट्यूड रखो अपने अंदर। मैंने कई गेम प्ले करते हुए दिखाया, आप लोगों ने देखा ना कि 3-3 हज़ार रुपये डालता हूँ। आपको क्या लगता है कि मैं जब ऑफलाइन कसीनो में जाता हूँ तो मैं तो 50 हज़ार 30 हज़ार लेके जाता हूँ, ऑनलाइन कसीनो में 3 हज़ार लेके जाता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि ये यहाँ ये बहुत सेंसिटिव जोन है, इसकी औकात 3 हज़ार से ज़्यादा नहीं मैंने डिसाइड करी। एक बार में अगर मेरे को जीरो भी करेगा तो 3 हज़ार ही तो लेके जाएगा, जा ले जा 3 हज़ार रुपये, मैंने 30 हज़ार डाले ही नहीं, मैं 3-3 हज़ार करके 10 बार डालूंगा। इसी ये बात समझो, कसीनो को अपने ऊपर हावी मत होने दो। अब 3 हज़ार चले जाते मुझे कोई तकलीफ नहीं होती, 30 हज़ार चले जाए मेरे को भी खुंदक आएगी, फिर मैं और 30 हज़ार लाऊंगा। बात समझ रहे हो, ये माइंड गेम है, ये ट्रैप है, एक खुंदक में मत खेलो। वो कोई आदमी नहीं है, वो तो उसका पैटर्न है, वो खाली कर देगा आपको, वो आपको उकसाएगा, आपको फ्रस्ट्रेट करेगा, आपको खुंदक में लेके आएगा, आप इधर उधर से पैसा लाओगे, डाल के लगाओगे, ऑल इन कर दोगे। कई बार तो खुंदक में आदमी इतना होता है कि उसका 80% पैसा, 90% पैसा चले गया ना, अगर 10% बचा तो 10% बचता है ना तो पूरी उम्मीद खो देता है। फिर वो क्या करता है, ऑल इन कर देता है, सारा का सारा एक बार में लगा देता है। आप लोगों ने मेरे को खेलते हुए देखा होगा, जैसे ही मेरा अमाउंट 50% से नीचे होता है मेरी बैट छोटी हो जाती है, ताकि मेरे मौके ज़्यादा हों। फिर जैसे ही वो एक दो बैट आ जाती है, मैं वापस अपने अमाउंट के आसपास में पहुंच जाता हूँ, मैं फिर बैट बड़ी कर देता हूँ। और मैं ऐसा नहीं, मैं बोलता हूँ 1:2 का प्रॉफिट होना चाहिए। आप लोग देखो, मैं 3 हज़ार डाल के 5 हज़ार भी गेम बंद करता हूँ। भाई 1 घंटा हो गया, वो ऊपर जा ही नहीं रहा है, तो मैं लड़ूंगा थोड़ी उससे। फिर तो भाई जो दे रहा है वो दे दे। इंड गेमर कह रहे हैं सेविंग्स पर अकाउंट वेरीफाई नहीं हो रहा है, तो बॉस मेरे को इंस्टाग्राम पर आप कॉन्टेक्ट करो, आपने कोई डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं किए होंगे, सेल्फी चाहिए होती है उसमें, पैन कार्ड के आधार कार्ड के साथ सेल्फी अपलोड करनी होती है, एड्रेस प्रूफ के लिए बिल अपलोड करना होता है कोई भी घर का, इलेक्ट्रिसिटी बिल या पासबुक ही जिसमें एड्रेस हो आपका, आधार कार्ड का एड्रेस और पासबुक का एड्रेस सेम होना चाहिए, ये सब चीज़ें। अगर फिर भी कोई दिक्कत आ रही है आप इंस्टाग्राम पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो कि भाई मेरा ये अकाउंट वेरीफाई नहीं हो रहा है, तो हम बात करके बता सकते हैं आपको कि क्या दिक्कत आ रही है, क्या आप गलती कर रहे हो। महेंद्र सिंह कह रहे सर मैं स्मॉल स्मॉल विड्रॉल लेता हूँ, सर क्या ज़्यादा विड्रॉल लेने से आईडी ट्रैक नहीं होती है सीवीज में? अरे ये बेवकूफ़ों वाली बातें मत किया करो यार। देखो मैं ना यहाँ पर, मेरा वक्त बहुत कीमती है, वक्त मत बर्बाद करो, मेरी बात को समझो। आईडी ट्रैक क्या होती है, ये बड़ा बेवकूफ़ी वाला सवाल है। क्या आईडी ट्रैक होती है? जब आपने वहाँ पर अपना आधार कार्ड अपलोड कर दिया, जब आपने अपना नाम बता दिया, आपकी डेट ऑफ बर्थ उनके पास है, आपका बैंक डिटेल आपके पास उनके पास है, आपने विड्रॉल किया, बचा क्या है आपके पास? केवल आपने कौन से रंग का कच्छा नहीं पहन रखा है, पहन रखा है वही तो नहीं उनको पता, बाकी तो सब पता है। ट्रैक क्या करेंगे आपकी आईडी को, बताओ मुझे। आप ठंडे दिमाग से सोच के बताओ कि आपकी सारी डिटेल तो उनके पास है, उनको ट्रैक क्या करना है?
डाटा के लिए उनको ये मालूम रहता है कौन आदमी कितना खेलता है। कि अगर आपने आपने वहां से 10 लाख रुपए विड्रॉल कर लिया तो क्या करेंगे वो, आपको खेल में हरा देंगे, क्योंकि आपके अलावा और भी तो लोग खेल रहे हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं है, उनके पास बहुत लोग हैं। अगर आज आप समझदार बन गए, छोटा छोटा विड्रॉल करो, तो बाकी 90% लोग नहीं कर रहे हैं, वो वहां पर दे रहे हैं, वो अपनी सी मीन्स कोई दानवीर नहीं है जो अपनी जेब से आपको पैसा दे रहा है। जब आप विड्रॉल करते हो तो आपके 10 लोग हारे होते हैं, जब वो एक को पैसा देता है तो 9 लोग हारे होते हैं, 9 से पैसा लेता है तब एक को देता है। तो इसलिए आईडी ट्रैक व्रैक करने की जरूरत नहीं है उसको, किसी को भी नहीं है, ये सब बेकार का वहम है। हार गए तो आईडी ट्रैक हो रही है, हार गए तो चीटिंग हो रही है, जीत गए तो आप धुरंधर, ऐसे थोड़ी होता है। कभी जीतने वाले ने बोला कि मेरे से कसिनो चीटिंग करके मेरे को जितवाया है? आईडी ट्रैक में है क्या हमारे सारे तो डॉक्यूमेंट? आज की डेट में आप फेसबुक पर हो, यूट्यूब पर हो, यूट्यूब पर जब आप आईडी बनाते हो तो आपकी डिटेल सारी जाती है, बच्चे कहाँ है आज की डेट में? ट्रैक क्या करेगा वो आदमी, सीविंग्स क्या करेगा ट्रैक करके? उसको यही तो मालूम पड़ेगा इस आदमी ने कितना खेला, कितना जीता, इससे क्या अचार डालेगा वो? वो डाटा है उसके पास, वो आपको ऐड भेजता रहेगा, जिस दिन आप जुआ छोड़ दोगे वो आपको ऐड भेजेगा, आ जाओ जी इतना बोनस दे रहा हूँ, ये दे रहा हूँ, इसलिए उनको डाटा चाहिए। खेल में तो उनको मालूम है कि आदमी को हराने की चीटिंग करने की जरूरत है, आदमी तो खुद अपनी लालच की वजह से हारता है। आप एक दिन जीतोगे, आपकी जगह पर 9 लोग हारते हैं, उनका पैसा उठा के आपको दे देता है वो, उसमें भी बीच में अपना रख लेता है बहुत मोटा, ऐसा कुछ नहीं होता। इंड गेमर, अगर आपने 100 बार अगर कमेंट लिखा है तो उसका मतलब ये नहीं कि मैं 100 बार पढ़ूंगा, आपने एक बार लिख दिया आप उसको बार बार क्यों लिख रहे हो? पेशेंस रखो ना, मैं एक एक आदमी का कमेंट पढ़ रहा हूँ, आपका नंबर आएगा आपका पढ़ूंगा, आया आपका नंबर मैंने पढ़ दिया, आपने एक ही को कॉपी पेस्ट कर दिया 10 बार। सर ऑटो रूलेट का ट्रिक्स बताइए प्लीज, बहुत लॉस हो गया। ऑटो रूलेट हो, क्लासिक रूलेट हो, कोई भी रूलेट हो, उनके पैटर्न सेम होते हैं, कोई ऑटो रूलेट का अलग ट्रिक होता है, मैनुअल का अलग होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। बॉल घूम रही है, बॉल कहीं भी गिर सकती है, जब आदमी का पैसा चले जाता है तो उसको दिखता है चीटिंग हो रही है, जब वो जीत जाता है तो वो चुपचाप विड्रॉल करके बैठ जाता है। मैंने आज तक अपने मेरा तजुर्बा नहीं है कि आज तक किसी आदमी ने जीतने के बाद वो बोला होगा यार आज मैं जीत गया हूँ पर बेईमानी करी थी इसने, बेईमानी करके मुझे जितवाया है। इकबाल खान, सर मैं आपके वीडियो बहुत देखता हूँ, देखता हुआ आपने मेरे सवाल का जवाब देने के लिए, मेरा जवाब देने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जवाब देने के लिए बैठा हूँ बॉस यहाँ, जवाब दे के मैंने कोई एहसान नहीं किया, मैं आया ही लाइव हूँ तो सवाल जवाब के लिए आया हूँ। शिवानंद कुमार, हेलो सर मैं आपकी सारी वीडियो देखता हूँ, ये बोला है तैयब मलिक ने, मैं आपकी सारी वीडियो देखता हूँ सर, आप बहुत अच्छे इंसान हो, लव यू भाई, पाकिस्तान भी मेरा सवाल है, रूलेट में जो विन लिस्ट होती है वो फेक भी होती है ना, पर आईडी से ज़्यादा ऑन अपने होते हैं ऑनलाइन में। देखो मैं आपका सवाल पूरी तरह समझ नहीं पाया, पर जितना भी मैं समझाऊँ मैं ये कह सकता हूँ कि आप ये पूछ रहे हो कि जो उसमें दिखाते हैं इतने लोग खेल रहे हैं उतने लोग खेल रहे हैं, जेन्युइन है या सच है झूठ है, या जो और विन विन का अमाउंट दिखाते हैं कि इसने इतना जीता तो उसने उतना जीता। तो देखो छोटे मोटे प्लेटफॉर्म है ना, जैसे किसी ने 2-4 लोगों ने मिलकर 5-10 लाख में बना दिया ऐप वगैरह, तो वो तो ये कर सकते हैं, पर जो बड़े प्लेटफॉर्म है जो पूरे वर्ल्ड में मशहूर है, कई देशों में चल रहे हैं, तो वहाँ पर तो देखो आप अकेले नहीं खेल रहे हो, आपके जैसे बहुत सारे लोग खेल रहे हैं। अगर आप छोटी बैट खेलते हो तो कोई बड़ा भी खेलता होगा, आप बड़ा खेल रहे हो तो कोई छोटा भी खेलता होगा। तो इसमें मेरे ख्याल से जो बड़े प्लेटफॉर्म है उनके पास तो ऑलरेडी ट्रैफिक बहुत आ रहा है, तो उनको झूठा डाटा देने की जरूरत नहीं है, भाई कोई जीतता भी तो होगा। हाँ ये दिखाते क्यों है, सवाल ये है कि ये दिखाते क्यों है, ना दिखाएं, ये दिखाते हैं उकसाने के लिए कि भी देखो आप तो हारे हो पर दूसरे तो जीते हैं, तो ये एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी है। पर बड़े प्लेटफॉर्म, अब देखो जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म है, बात मतलब जो भी बड़े बड़ी सेलिब्रिटी जिनकी ऐड करते हैं, तो सोचो वहाँ तो हजारों लाखों लोग खेलते हैं रोज, तो झूठ कैसे होगा। हाँ दिखाते क्यों हैं, दिखाना नहीं चाहिए, पर दिखाते हैं कि जो हार गया उसको मोटिवेशन मिले और खेलने का। रियली योर पैटर्न वर्किंग, हाँ मेरे पैटर्न वर्क करते हैं, तभी मैंने आप लोगों के साथ गेम खेल के शेयर किया है, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो हर बार करेंगे, वो जब चल रहे होंगे केवल तभी करेंगे। तो आपको ये पहचानना है कि वो चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, और ये आप तजुर्बे से पहचान सकते हो, गेम की हिस्ट्री देख के पहचान सकते हो। यार ये ना मेरे को ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं जो क्या करते हैं, एक बार कमेंट करते हैं और फिर उसको कॉपी कर लेते हैं और फिर लगातार लगातार सेम कमेंट टाइप करते रहते हैं,
जब आप लोग मेरे साथ जुड़े हो या मेरे वीडियो देख रहे हो, आपको मालूम है कि ये आदमी एक भी कमेंट छोड़ के नहीं उठने वाला, सारे कमेंट पढ़ेगा। आप पेशेंस तो रखो ना अपना नंबर आने का। आप लोग क्या करते हो कि पेशेंस है नहीं, तो पेशेंस है नहीं इसीलिए तो हारते हो जुए में, क्योंकि जुए में एक ही चीज चाहिए होती है, पेशेंस, सहन शक्ति चाहिए जुए में। जिसके पास पेशेंस नहीं है, जिसके पास धैर्य नहीं है, उसके लिए जुआ बना ही नहीं है। स्मार्ट प्ले 2.0, सर मैं 5 लाख का बजट है, 10% मतलब 5,000 का एक बार खेलता हूँ और 1:3x करता हूँ, 15,000 करके निकाल लेता हूँ। बहुत अच्छी बात है, यही मैंने हमेशा बोला कि जो भी अमाउंट हो उसके कम से कम 8-10 टुकड़े करो और लगातार मत खेलो। 8-10 बार उसको डिवाइड कर दो, 10, जैसे इन्होंने 5 लाख को 10 दिन में डिवाइड किया तो 5,000 पर डे आ गया, पर 10 दिन लगातार नहीं होने चाहिए। तो स्मार्ट प्ले ये भी ध्यान रखना कि 10 दिन लगातार नहीं होने चाहिए। अगर जीते हो तो भी लगातार मत करो, ये नहीं कि आज जीत गए तो कल फिर बैठ गए, क्योंकि फिर उसमें आपकी थोड़े दिनों बाद हारने का पैटर्न शुरू हो जाएगा। दिमाग से पैटर्न को हटने भी दो। और 15,000 को राउंड फिगर में मत पकड़ के बैठना और थम रूल मत पकड़ना। किसी किसी दिन 15 नहीं बन रहे ना, तो 5,000, 7,000, 8,000 जो बने वो लेके भाग जाना। राउंड फिगर के चक्कर में कभी मत पड़ना जुए में। सर रूलेट पैटर्न पर वीडियो बनाइए, सारे पैटर्न के जितने आपको मालूम है। बनाऊंगा, जरूर बनाऊंगा, बनाए भी है कई सारे। कुछ पैटर्न भी बता दीजिए। पैटर्न बताए ना मैंने, गेम खेल के दिखाए, तो गेम में गेम जब मैं जो मैंने गेम खेल के दिखाए हैं वीडियो यहाँ पे पड़े हैं, रूलेट इंडिया जो मेरा चैनल है उस पर बहुत सारे वीडियो पड़े होंगे, मेरे टेलीग्राम चैनल पर पड़े हैं बहुत सारे वीडियो गेम खेलने के। उसमें जब मैं गेम खेल रहा हूँ तो मैं कॉमेंट्री कर रहा हूँ कि भाई देखो ये आया ये आया, तो उसमें मैंने बहुत बार बताया कि ये पैटर्न चल रहा है। वहाँ पर आप जो मैं बोल रहा हूँ वो पैटर्न चल रहा है, मैं उसी के ऊपर बात करूँ तो आपको वहाँ पर ज़्यादा समझने को मिलेगा। जीतू समुद्रे हेलो, आई एम फाइन एज यूजुअल। शुभम सिंह कुमेन, सर आपकी 1:3 करना वाकई बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है, हमें 10,000 डाले और 500 में डिवाइड किया 20 दिन का और 17,000 मंथ एंड में बना दिया। ये आपने बहुत सही किया कि देखे आपने 10,000 रुपये को 500 रुपये में डिवाइड किया, जैसे सभी उन्होंने 5 लाख को 10 दिन में डिवाइड किया, आपने 10,000 को, आपके पास 500 रुपये, आपके पास 20 मौके हैं। इस हिसाब से चीजें करनी चाहिए। पर ये ध्यान रखना कि ये जीत लगातार नहीं रहेगी, इस ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहना। लोग बोलते हैं आपकी स्ट्रेटेजी हमेशा काम करेगी, क्या नहीं करेगी भाई, वो तभी काम करेगी जब आपके अंदर सहन शक्ति है, धैर्य है और वो पैटर्न चल रहा है और ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है। खोपड़ी पे शैतान नाच रहा है, अपने आप को बादशाह बन रहे हो तो फिर तो सब जाएगा। जुआ कभी राजा बन के मत खेलना, फकीर बन के खेलो, राजा बन के निकलो। राजा बन के खेलोगे, फकीर बन के निकलोगे, ये ध्यान रखना हमेशा। भले ही आपके पास 50 लाख रुपए, खेलो छोटे अमाउंट से। मैं 3,000 से खेलता हूँ, सोचो आप, कायदे में तो मुझे अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करना चाहिए ना, कि बड़ी बड़ी बातें करता हूँ कसीनो में, 50,000, 1 लाख लेके जाता हूँ, मैं यहाँ पे 3,000 खेलूंगा, लोग क्या सोचेंगे। अरे लोग सोचने के चक्कर में मैं थोड़ी बर्बाद हो जाऊंगा। और दूसरा, मैं अपने पैसों से खेलता हूँ, नकली डमी डमी चिप से नहीं खेलता हूँ कि मैं डलवा दूँ वहाँ पे उनको बोल के कि हाँ डाल दो, वो तो पड़े रहते पीछे। मैं बोलूँ डाल दो 1,00,000 रुपया और मैं 1,00,000 रुपये से खेल रहा हूँ, 5-5, 10-10 हज़ार की बैट लगा रहा हूँ, जो बैट बढ़िया आ गई उसका वीडियो रिकॉर्ड करके डाल दिया, वो ड्रामेबाजी अपने बस की है नहीं। इन्फो जीतू कह रहे हैं, लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बैट, आउटर बैट और डजन कॉलम और सिंगल नंबर बैट, लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबल। लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबल तो देखो सिंगल नंबर से ही आएगा, पर सिंगल नंबर का मतलब क्या होता है, मोर प्रॉफिट मोर रिस्क, लो प्रॉफिट लो रिस्क, ये चलता है गैम्बलिंग में। तो सिंगल नंबर में भी आपको बहुत पेशेंस के साथ चलना है, आपको क्या पैटर्न चल रहे वो पता होना चाहिए, जैकपॉट नंबर बनाना आना चाहिए, तब जाके सिंगल नंबर प्रॉफिट देते हैं। अगर आपके अंदर ये सब चीज़ें नहीं है तो आप आउटर बैट से ही काम चलाओ, उसमें थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट लो ना, थोड़ा थोड़ा, 3-4 बैट से ज़्यादा की उम्मीद मत करो, छोटा प्रॉफिट रखो, बैट प्रॉफिट के हिसाब से डिज़ाइन करो और वो भी लॉन्ग टर्म चल सकता है। अवॉइड गैमलिंग, कभी कभी इवन पे पैसा लगाते हैं सर, कंटिन्यू 15 से 20 बार ऑड आ जाता है। कभी कभी ऐसा भी होगा आपके साथ एक दिन कि आप जिस पे पैसा लगाओगे वो 15-20 बार वही भी आएगा,
पर मैं कहता हूँ 15-20 बार पीछा करने की जरूरत क्या है। आपने एक बार लगाया, एक बैठ गई, दोबारा लगाया, दोबारा बैठ गई, आप इवन पे लगा रहे हो और ऑड आ रहा है, इसका मतलब ये है। और फिर आप इवन लगा रहे हो, फिर ऑड आ रहा है, फिर इवन लगा रहे हो, फिर ऑड आ रहा है, इसका मतलब ये कि आप रूलेट के अगेंस्ट चल रहे हो। जुए में एक बात ध्यान रखना, हमेशा गो विद द फ्लो, जो जो रूलेट चल रहा है उसके साथ चलो। वो इवन मार रहा है, आप इवन मारो, इवन लगाओ। वो ऑड चल रहा है, वो आप ऑड चलो। अगर आप गैमलिंग में, अगर आप गेम के अगेंस्ट जाओगे तो आप कभी कभी प्रॉफिट में रहोगे, पर मोस्टली हारोगे, मोस्टली लॉस में ही रहोगे, कंक्लूजन लास्ट में लॉस ही रहेगा। जिंदगी में मैं हमेशा फ्लो के अगेंस्ट चलता हूँ, पर गैमलिंग में मैं हमेशा फ्लो के साथ चलता हूँ। गैमलिंग में पंगा नहीं लेता मैं। शुरू शुरू में मैं भी ऐसे ही करता था, जब नए नए आया था, जो आ रहा है, अरे 5 बार लाल आ गया अब तो काला आएगा, 6 बार ऑड आ गया अब तो इवन आएगा, और जीतता था 9, 10 में से 9 बार जीतता था, एक बार में वो सारा पैसा ले जाता था। सर चाइना के लोगों के जीतने की परसेंटेज क्या है, मतलब 100 चाइनीज खेलते तो कितने परसेंट जीतते वहां पर? 70-30 या 60-40 का रेशो रहता है। इंडिया में ये रहता है 90-10 या 95-5 भी कह सकते हो आप। जो चाइनीज कोरियन लोग हैं ना, ये बहुत मतलब तरीके से खेलते हैं। अभी गोवा के ये कसिनो में चाइनीज की वजह से उनको अपना स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ती। वो कूपन देते थे, कूपन देते थे, वो क्या होता था कि वो जो डेट है, जो भी तारीख है उस दिन की, अगर वो नंबर आ गया और उस पर जिसने भी स्टेटअप लगाया तो उसको 2,000 रुपये का वो ओटीपी देते थे। ओटीपी बोलते वन टाइम प्ले कूपन होता है, वो कैश हो जाए तो आपको मिलता है। वो चाइनीज लोग बड़े दिमागदार थे, वो ऐसे ढंग से खेलते थे, अलग अलग 8-10 लोगों का ग्रुप आता था, अलग अलग खेलते थे और खूब वो कूपन कमा के और कूपन कैश करा के निकल जाते थे। गेम खेलते ही नहीं थे, अलग गेम थोड़ा बहुत खेला उनको, उन्होंने उसको 2,000 को घटा के 1,000 कर दिया और उसका टाइम भी कम कर दिया। पहले सुबह 6 से रात को शाम को 6 बजे तक था, फिर सुबह 11 से शाम को 6 कर दिया। सर जीतने का कोई तरीका? हाँ, जीतने का कसीनो में या जुए से जीतने का एक ही तरीका है कि जुआ छोड़ दो। SR ग्रुप, सर गोवा कब वापस आओगे? पता नहीं बॉस, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता मैं कब कहाँ जाऊंगा, कहाँ रहूंगा। इंडिया में तो आपको पता, मेरी जैसी सोच के लोगों को तो वैसे भी रहना गवारा नहीं है, ना लोग बर्दाश्त करेंगे ना मैं, तो मैं थोड़ा अवॉइड करता हूँ अब इंडिया को। जिस दिन इंडिया समझदार बनेगा उस दिन मैं इंडिया में रहूँगा। अमनदीप सिंह कह रहे हैं इंडी गेमर को मुक्ति लाल के पास भेज दो। आपको याद है कल मुक्ति लाल आप मजे ले रहे हो, कल भी आप मुक्ति लाल के पीछे पड़ गए थे। मुक्ति लाल का क्या हुआ, उसको मुक्ति कर मिल गई, मुक्त कर दिया। उमेश बंसल, अगर आप नो प्रॉफिट नो लॉस में हो तो बहुत बेहतर पोजीशन पे हो, बस थोड़ी सी हिम्मत दिखा दो और जुआ छोड़ दो। अगर आप नो प्रॉफिट नो लॉस में हो तो आप मेरे साथ काफी टाइम से जुड़े हुए हो, तो कुछ कनेक्शन बन जाता है जब हम इतने टाइम से जुड़े होते, तो छोड़ दो। क्योंकि लॉस हो गया ना तो खुंदक में आ जाओगे आप। और बात खाली यहाँ पैसा जीतने हारने की नहीं है, ये जुआ आपका सिर्फ पैसा नहीं देता, ये आपका टाइम भी ले जाएगा, ये एनर्जी भी ले जाएगी। बहुत लोग यूट्यूब पर बैठे हैं अच्छी अच्छी बातें करके, बाद में आप लोगों को बरगला देंगे, आपको वो एक डायरेक्शन में ले जाएंगे। कोई कोर्स बेच देगा, कोई कुछ कर देगा, कोई बोलेगा मैंने 1 लाख से 10 लाख बना दिया, कोई बोलेगा मैंने 50 लाख बना दिया, विड्रॉल कर लिया, कर लिया, डमी चिप के साथ कोई कुछ भी कर सकता है। भाई मेरी औकात नहीं है 1 लाख डालने की ऑनलाइन में, मैं तो 3,000 डालता हूँ। 3 का 6 हो जाए, 3 का 9 हो जाए, 3 का 5 हो जाए, 3 का 7 हो जाए, 3 का 0 भी हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं। जीनियस प्लेयर करे, थैंक्स सर, गिव आंसर, यूर वेलकम। नितेश राघव, सर विच इज द बेस्ट साइट टू प्ले? देखो बहुत सारी साइट है, पर मैं एक ही साइट का प्रमोशन करता हूँ या नाम लेता हूँ। प्रमोशन भी क्या करता हूँ, मतलब नाम बताने का उनसे पैसा लेता हूँ। तो क्योंकि अभी तक उस साइट ने किसी का को ब्लॉक नहीं किया, बड़ा अमाउंट जीतने पर 2.5 करोड़ रुपए भी दिए। और बेस्ट साइट का मतलब ये नहीं होता, एक बार ध्यान से समझना, बेस्ट बेस्ट साइट का मतलब ये नहीं होता कि कौन सी साइट पे आप जाके जीत जाओगे। बेस्ट हार जीत तो अलग चीज़ हो गई, बेस्ट साइट का मतलब होता है कि भी आपका पैसा डूबे ना, जीत गए तो वो विड्रॉल दे दे, जमा किया है कभी अटक भी गया तो भी वो विड्रॉल कर दे। मैंने एक आदमी का मेरे ख्याल से 7-8-10 महीने बाद पैसा निकलवा के दिया वहाँ पे, वो 10 महीने पहले उसे जमा किया, वो भूल गया या क्या हुआ, उन्होंने दे दिया। बेस्ट साइट का मतलब ये होता है। बाकी गेम में आप जीतोगे, अब जैसे मान लो मैं सीविंस का नाम लेता हूँ,
कि भाई उसका बताने का उनसे पैसा लेता हूँ, अपना प्रोमो कोड आप लोगों को बताता हूँ कि भाई आप चाहो तो उसको यूज़ कर लो। तो ऐसा थोड़ी कि सीवीज पर आप जाओगे तो आप कभी हारोगे नहीं, या मैंने बताया तो आप हमेशा वहां पे जाके जीतोगे। लाखों रुपया मुझे देने को तैयार है वो, या कोई भी ऐसी बहुत सारी साइट्स हैं जो ये कहने को तैयार है कि भाई आप कहानियां सुनाओ ना बाकियों की तरह। मैंने कहा भाई मैं आपकी जो अच्छी चीजें हैं मैं वो बता दूंगा, आपकी अच्छी चीज ये है कि आपने अभी तक किसी का पैसा नहीं रोका, आपने सब लोगों का पैसा दिया, और अभी तक मेरे पास ऐसा बैड एक्सपीरियंस नहीं है। तो ठीक है, झूठी कहानियां मैं नहीं बना सकता। अमनदीप सिंह कह रहे हैं वन एक्स बेट में मैंने 1 लाख विन किया था, एक बार उन्होंने मेरा आईडी ब्लॉक कर दिया, 5,000 से 1 लाख बनाया था। कुछ बहुत सारी साइट्स ऐसी होती हैं जो मतलब फेक होती हैं, या उनकी कॉपी पेस्ट करके बना दी जाती है, ये या फिर किसी ने फ्रेंचाइजी लेकर के बड़ी साइट से बना लिया, ये होता है। पर यहाँ पर मैंने नहीं देखा, मतलब अभी तक लोगों ने बोला हमने आपकी इतना वहाँ पे कमाया, वो बड़े बड़ा प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं करेगा, उसको मालूम है एंड में ही देखे जाएगा। कसीनो में मैंने लोगों को लाखों रुपए करोड़ों रुपए जीतते हुए देखा है, तो वो ऐसा थोड़ी कसीनो उनको जाने नहीं देता। स्मार्ट प्ले 2.0 कह रहे हैं कसीनो में साइकोलॉजी का क्या इंपॉर्टेंट है, पूरा का पूरा गैम्बलिंग ही साइकोलॉजी है, माइंड गेम है ना। अगर किसी गेम में लोग बोलते हैं बॉल जंप करती है जी, हमने यूट्यूब पे देखा है, तो मुझे ये बता दो घोड़े की रेस में क्या घोड़े जंप करते हैं? घोड़े की रेस में भी तो लोग हारते हैं ना, बर्बाद होते हैं, ताश में भी तो हारते हैं ना। अगर आप कार्ड गेम खेलते हो उसमें भी बर्बाद होते हो, आप घोड़े की रेस पे पैसा लगाते हो उसमें भी बर्बाद होते हो, और अब तो ये जो लूडो वगैरह आ रहे हैं लोग इसमें भी बर्बाद होते हैं। वहां पर कहते हैं कि जी बॉल जंप कर रही है, क्योंकि कोई भी गेम में चीटिंग की वजह से नहीं बर्बाद होता है, वो बर्बाद होता है उसके दिमाग के अंदर के डर और लालच की वजह से। और डर और लालच मतलब साइकोलॉजी। धर्मेंद्र कुमार कह रहे हैं सर हारने के बाद माइंड में नया तरीका कैसे माइंड में आता है? सर हारने के बाद माइंड में नया तरीका कैसे माइंड में आता है? देखो जब भी मैंने कई बार एक सलाह दी है कि जब भी आप लोग अगर हार जाओ या 1-2 दिन लगातार हार जाओ, पहली बात तो लगातार खेलना नहीं चाहिए। मान लो अगर आपने 1-2 दिन खेला और दोनों तीनों दिन हार गए, या 1 दिन खेला आप हार गए, आपको कम से कम 2 दिन का गैप लेना चाहिए। वो 2 दिन के अंदर क्या होगा, पहला दिन तो आपका खुंदक में निकल जाएगा, सुबह उठोगे अपने आपको खूब गालियाँ दोगे, मैंने ये गलती कर दी, ये हो गया वो हो गया, धीरे धीरे शांत होगे, फिर उस हार को एक्सेप्ट करोगे, फिर अगले दिन आप उस हार को भूलोगे। तो 2-3 दिन का गैप देने के बाद आप जब जाओगे तो आप नए एनर्जी के साथ जाओगे, नए ब्लैंक होकर के जाओगे। लगातार इसीलिए बोलता हूँ कभी मत खेलो। बाला साहब जाधव गुड इवनिंग बोलते हैं, बस आते टाइम गुड इवनिंग बोलते हैं, जाते टाइम गुड नाइट बोलते हैं। केसर अत्री सर आज मेरी मम्मी से लड़ाई होगी, मुझे दुख हो रहा है, लड़ाई हो गई मुझे दुख हो रहा है, क्या करें? बॉस ये यहाँ पर कसीनो का चैनल है, मैं यहाँ पर कसीनो के ही जवाब देता हूँ, तो इस तरह की चीज़ों के लिए तो दूसरी जगह मैं लाइव आता हूँ, पर फिर भी अगर आज हो गया तो लड़ाई हो गई तो देखो जहाँ प्यार होता है ना वहीं लड़ाई होती है। आप अनजान आदमी से किसी और औरत से अनजान सड़क पर जाती हो, किसी औरत से लड़ लेना, वहीं से वो झाड़ू लेकर के पीट देगी, है ना, और ना आप लड़ोगे तो लड़ाई कहाँ होती है, जहाँ प्यार होता है। तो कोई गिल्ट मत रखो, ठीक है, जाके सॉरी बोलो क्योंकि उम्र में बड़ी है वो आपसे, और ज़्यादा इस बात में मत जाओ गलती किसकी थी, क्योंकि अगर इस चीज़ में जाओगे गलती किसकी थी तो नाराज़गी हमेशा नाराज़गी रहेगी अंदर। अब ये देखो कि आपको नाराज़गी बढ़ानी है या आपस में संबंध अच्छे रखने हैं, तो जाके सॉरी बोलो, जो वो बढ़िया सब कुछ खाती हो, फेवरेट उनकी पसंदीदा चीज़ लेके जाओ, नॉर्मल बात है, ये तो होता रहता है, इसका गिल्ट मत रखो। जहाँ प्यार होगा वहीं लड़ाई होगी ना, अनजान आदमी से थोड़ी जाकर के लड़ोगे आप। ईशु कुमार साहू सर जिंदगी जुआ छोड़ने के बाद जिंदगी में वापसी हो सकती है क्या? मैं लगभग 5 लाख का लॉस है और अभी मेरी सैलरी 35,000 है, पर जब मैं जेब में 1 रुपया भी नहीं, 1 रुपया भी नहीं है वो प्रॉब्लम नहीं है, बिना जुआ खेले भी लोगों के जेब में 1 रुपया नहीं होता है, वो किसी और गलती से बर्बाद हो जाते हैं, कोविड की वजह से दुनिया बर्बाद हो गई, तो सब मर नहीं गए, जिंदगी में वापसी होती है। जुए में 5 लाख चले गए भूल जाओ, 5 लाख के 50 लाख कमा लोगे जिंदगी में, अगर आप पॉजिटिव रहोगे, अपना नौकरी पर ध्यान दो जो भी आप कर रहे हो, और धीरे धीरे छोटी छोटी सेविंग करो, अपने आप को शांत रखो, आपका दिमाग आपको बहुत सारे आइडिया देगा। जुआ एक मात्र रास्ता नहीं है पैसा कमाने का, उसमें जो चले गए, और ये मैं बता रहा हूँ आपके, ये 5 लाख चले गए तो आप यहाँ रुक भी जाओगे, अगर नहीं रुकते तो पता नहीं 50 लाख पे जाके रुकते।
लोगों ने अपने घर बार बेच दिए चूहे में। जावेद सनादी, सीरीज कौन सी खेलना चाहिए, जीरो स्पेल या 5-8 सीरीज, और किसमें फायदा है? देखो सीरीज तो वो खेलनी चाहिए जो सीरीज चल रही हो, चल रही है। मैं बोलूँ जीरो स्पेल खेलनी चाहिए तो 5-8 चल रही है तो जीरो स्पेल लगाओगे तो पैसा जाएगा, है ना? या ऑफलाइन खेलोगे और चल रहा है जीरो स्पेल तो पैसा जाएगा। जो सीरीज चल रही है वो खेलनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, मैं जीरो स्पेल को ज़्यादा पसंद करता हूँ या दूसरे नंबर पर ऑफलाइन को, क्यों? क्योंकि इन दोनों ही सीरीज के अंदर कम नंबर कवर होते हैं। जीरो स्पेल में 7 नंबर कवर होते हैं और 26 नंबर स्टेटअप होता है। ऑफलाइन के अंदर 8 नंबर कवर होते हैं, 2 नंबर स्टेटअप होते हैं, 1 और 17। तो उसमें मतलब अगर गई बैट तो छोटा अमाउंट जाता है, आती है तो ठीक ठाक अमाउंट आता है, और अगर स्टेटअप वाला नंबर आ गया तो वो आपका उसमें जैकपॉट नंबर होता है। मोहम्मद नूर, डू यू हैव एनी पैटर्न, कैन यू टेल अस अबाउट सम पैटर्न, वी कैन मेक सम प्रॉफिट। पैटर्न के ऊपर मैंने, आप मेरे गेम खेलने वाले वीडियो देख लो, उसमें पैटर्न जो बोल रहा हूँ वो दिखेगा भी आपको सामने चलता हुआ। 3 का पैटर्न चल रहा है, 4 का पैटर्न चल रहा है, 5 का चल रहा है, 2, 12, 20, 22, 32 का पैटर्न चल रहा है, 10, 20, 30, 0 का पैटर्न चल रहा है, या कभी कभी वो चलेगा 4 का पैटर्न चलेगा तो 22 आएगा, 24 आएगा, 14 आएगा, 15 आएगा, 19 भी आ सकता है नेबर की वजह से। तो ये आपको नेबर का पैटर्न चल रहा है तो नेबर लगा के चलने पड़ेंगे। तो ये चीज़ें आपको तजुर्बे से आएंगी, और वो गेम जो मैंने खेल के छोटे छोटे वीडियो डाले हुए हैं वो आप देखोगे, टेलीग्राम पर भी है, इस चैनल पर भी है, और रोलेट इंडिया पर भी है। वहां पर जो चल रहा है मैं उसके ऊपर मैं क्या सोच रहा हूँ उस समय मैं वो भी बोल रहा हूँ। नहीं, मेरी आज वीडियो अब आ गई होगी, 11 बजे का मैंने एक शेड्यूल लाया था, क्योंकि आज मैं पूरा दिन बहुत बिजी था, मैं थोड़ा बाहर घूम रहा था कहीं, तो मैं अभी 1 घंटे पहले ही आया हूँ, तो वो वीडियो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही लगाया, तो अभी आ गई होगी वहाँ पर, ट्रैवल एंड नॉलेज पर एक वीडियो। वो तो ऐसी बैंकॉक से जुड़ी हुई है। सर मेरे को दोस्त ने बताया था कि इमोशंस इमोशंस लॉजिक से ब्रेक हो जाते हैं, तो सर क्या ये बात सही है? हम आपसे पूछ रहा था कि इमोशंस को साइड में हटाकर लॉजिक थिंकिंग कैसे करें। क्या आईडी का नाम रखा है SISKSKS, जो भी आपका नाम आईडी का। पहली बात तो ये कसीनो का चैनल है, यहाँ पर मैं सिर्फ कसीनो के सवालों के जवाब देता हूँ, तो ये बात आप आगे से ध्यान रखना। अभी आपने बात बोली जो मैं उसका कमेंट कर शॉर्ट में कोशिश करता हूँ रिप्लाई देने की, कि आपके दोस्त ने बात सही बोली है आपको, कि इमोशंस, जज्बात, भावनाएं, भावुकता जो होती है इसको तर्क से काटा जा सकता है। लॉजिक मतलब तर्क से काटा जा सकता है। मतलब कोई अपने बाप अपने बेटे से बहुत ही प्यार कर रहा है और उसको इतना प्यार कर रहा है कि उसको दुनिया में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, या कोई आदमी अपनी बीवी से बहुत प्यार कर रहा है, या कोई गर्लफ्रेंड से बहुत कर रहा है, या कोई गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड से बहुत कर रहा है, तो उसको दुनिया में कुछ दिखाई नहीं दे रहा। पर अगर उसके आगे हम तर्क रखें और अगर वो उस बदलाव के लिए तैयार हो, तो वो समझ जाएगा कि हाँ मेरे जज्बात ही, जिसके लिए जज्बात है उसको नुकसान दे रही है। अगर कोई बाप अपने बच्चे से बहुत ज़्यादा प्यार करता है तो वो अपने बच्चे का ही सबसे बड़ा दुश्मन है, वो नुकसान पहुंचा रहा है ना उसको, उसका हर जगह ध्यान रखेगा तो उसको नाजुक बना देगा, अपाहिज बना देगा। तो ये बात आपकी सही है। और रहेगी बात लॉजिक से, लॉजिकल थिंकिंग कैसे करें इमोशन से, तो प्रैक्टिकल बातों को समझो ना। आप जिससे भी, जिस भी चीज़ को लेके आपके अंदर इमोशंस आ रहे हैं, आप ये देखो कि वो इमोशंस आ रहे हैं जिस चीज़ को लेकर, उससे कोई फायदा भी है कि नहीं है। अगर मान लो किसी को अपनी कार से बहुत प्यार है कि जी मेरी कार, मेरे कार या मेरी बाइक, तो सोचो कि बाइक कोई सोचने की क्षमता है, कि बाइक को पता चल रहा है कि कोई मेरे से बहुत प्यार करता है, नहीं ना? ऐसी ये लॉजिक है इसका। कोई अगर रिश्ते में किसी से बहुत प्यार करता है, तो एक बात ध्यान रखना कि रिश्ते को जितनी तवज्जो दोगे वो उतने दूर हो जाते, कमजोर हो जाते। और तो ऐसे तर्क करो अपने आप से। ये पर इस चीज का चैनल नहीं है, तो मैं आगे से मत पूछना यहाँ पर। रतिलाल बम भाव बम भवा, सर 1xBet सही में 2 साल से खेल रहा हूँ, प्रॉफिट बनाना सीख गया हूँ, विड्रॉल बैलेंस पे लेना पड़ता है, 10 दिन से नहीं खेला हूँ। देखो मैं और किसी साइड के लिए ना, तो मैं किसी साइड के लिए मेरा कोई लिंक है उनसे, ना मैं कोई बात करता हूँ, ना मैं किसी और साइड को लेकर के कोई हेल्प कर सकता हूँ आप लोगों की, क्योंकि मेरा कोई कनेक्शन ही नहीं है ना, मैं क्या किस बात पे बात करूँगा।
नितेश राघव सर, कैसीनो डेज साइट इज सेफ? नहीं, मुझे उसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। देखो, जिसका आइडिया नहीं, ना उसकी बुराई कर सकता हूँ ना मैं तारीफ कर सकता हूँ। सर, रूलेट में 35 नंबर कवर करना कैसा है? रुक रुक के कभी कभी, सबसे बकवास स्ट्रेटजी है, सबसे बकवास। बैंकॉक किस होटल में हो? कैन आई मीट, आई लिव बैंकॉक। नहीं, मैं बैंकॉक में अब आपसे नहीं मिल सकता, क्योंकि मैं आज की रात ही हूँ, मैं कल यहाँ से जा रहा हूँ, मतलब मैं सुबह निकल जाऊँगा यहाँ से। और मैं सोलो ट्रैवलिंग करता हूँ, तो मैं सोलो ट्रैवलिंग के दौरान मैं लोगों से बहुत कम मिलता हूँ। और मैं घर पर भी, जब गोवा में भी लोग मिलने आते, तो पहली शर्त ये होती है कि कसीनो, पैसे, काम धंधे, बिजनेस को लेकर कोई बात नहीं करूँगा। बाकी आओ, चाय पियो, खाना खाओ, खूब गप्पे मारेंगे, पर जुए को लेकर के मैं कोई बात नहीं करूँगा। उसके लिए मैंने यूट्यूब पर वीडियो बनाए हैं, लाइव आता हूँ, उस पर आप सवाल पूछते हो, मैं बात करता हूँ। तो कल मैं यहाँ से चले जाऊँगा सुबह की, मैंने मतलब निकल जाऊँगा सुबह, आज की रात ही हूँ मैं यहाँ। विक्की राजपूत कह रहे, सर लोगों के सोचने के चक्कर में मैं क्यों बर्बाद हो गया हो लोगों के सोचने के चक्कर में मैं क्यों बर्बाद हो जाऊं सर? ये बहुत अच्छी बात कही आपने, दिल को छू गई सर। सोच यही होनी चाहिए हर जुआरी की, हर जुआरी की नहीं, जिंदगी में भी। दुनिया जाए भाड़ में, समाज जाए भाड़ में, लोग जाए भाड़ में, मैं किसी और के लिए जिंदगी नहीं जी सकता, एक पल भी नहीं जी सकता। तो हमेशा अपने आप को खुश रखो, लोगों के चक्कर में थोड़ी। अब मैं कि मैं यार, मेरे को तो यार यूट्यूब पर लोग जानते हैं, मेरे कसीनो का दो दो चैनल है, मेरे साथ 15-20 हज़ार लोग सब्सक्राइबर हैं, लोग जुड़े हुए हैं, तो उनके सामने मैं 3 हज़ार रुपये डालता हूँ, बड़ा टुच्छा आदमी लगूंगा ना? ये दिमाग में बात ही नहीं आती भाई। कोई क्या सोचेगा उससे फर्क नहीं पड़ता ना, पैसा तो मेरा है। लोग अंदाजे लगाते हैं, यार ये आदमी प्रमोशन, कोई इसके स्पॉन्सरशिप पे घूम रहा है। सोचो, कोई आदमी किसी को 1-1 महीने के लिए स्पॉन्सर करेगा और हर 1 महीने बाद स्पॉन्सर कर देगा? या आज ये दुबई में 2 महीने रह ले, आप सिंगापुर में 1 महीने रह ले, आप मलेशिया में रह ले, कॉमन सेंस लगाओ। जब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, तो क्या मैं नहीं अपना इंतजाम कर सकता हूँ? नॉर्मल यूट्यूबर सर, कभी गेम में पैसे रहते हैं तो डर लगता है, क्या पता आईडी ब्लॉक कर दे। आपका डर जायज़ है, देखो बड़े प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं करते, पर कोई भी रीज़न हो सकता है ना। गवर्नमेंट बैन कर दे, कल को उनके साइड में कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई एरर आ जाए, कोई हैकर ने कुछ कर दिया, आपका तो पैसा गया। मैं हमेशा बोलता हूँ, रोज़ दुकान खोलो, रोज़ शटर बंद करो, रोज़ पैसा जमा कराओ, रोज़ पैसा निकालो, दुकान बंद करो, गल्ला में ला के रात को जैसे बंद करते हैं ना दुकानदार, वैसे आईडी में पैसा मत छोड़ोगे, कल फिर जमा करेंगे, ट्रांजेक्शन बढ़ जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अरे ट्रांजेक्शन बढ़ जाएगी, इनकम टैक्स ही तो देना पड़ेगा, वो इतना नुकसान नहीं देगा। आईडी जिस भी दिन ब्लॉक होगी, इस पूरा पैसा ले जाएगा, और ज़्यादा वो आईडी उसी की हैक होगी जिसके पे आईडी में ज़्यादा पैसे होंगे। रतिलाल, मुझे बाकी किसी चीज़ के बारे में मालूम नहीं है, और दुनिया भर की साइट से मुझे कोई आइडिया नहीं है उसका, तो इसलिए मैं उन सब चीज़ों पर नहीं जवाब दे पाऊंगा आपको। क्या कोई फुल टाइम गैम्बलिंग करियर बना सकता है? एवरीडे 5,000-10,000 बना सकता है? पहली बात तो एवरीडे कुछ नहीं होता, अगर जुआ जितना कम खेलोगे उतना जीतोगे। दूसरा, जुए को करियर बनाने वाले मुझे आज तक पूरे मेरे करियर के अंदर ही मुझे 3-4% लोग मिले हैं, उनमें से एक मैं हूँ। और मैं रोज़ नहीं खेलता हूँ, मैं लगातार नहीं खेलता हूँ, मैंने आप लोगों को बता दिया। और अब मैंने तो इससे निकाल के पैसा इन्वेस्ट कर दिया, तो मुझे अब उसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ती ज़्यादा खेलने की। तो ये चीज़ों को समझो आप। लगातार नहीं होता करियर का मतलब, देखो अगर मान लो कोई आदमी 20,000 की नौकरी कर रहा है, और वो चाहता है कि भी उसको गैम्बलिंग में 20,000 रुपये महीना मिले, तो उसको रोज खेलने की जरूरत क्या है? अगर वो 3-4 हज़ार का प्रॉफिट बना लेता है, तो 5-7 बार में उसका 20,000 रुपये आ जाएगा। पर चक्कर क्या है कि गैम्बलिंग में हारते का है, कि 3-4 बार में, 5-7 बार में 3-4 हज़ार रुपये पर डे के हिसाब से उसकी 20,000 की तनख्वाह तो आराम से निकल आई। पर वो सोचता कि जब तनख्वाह आराम से निकल गई, तो बाकी के मैं 24-25 दिन क्यों खाली बैठूं? चलो मैं 24-25 दिन और खेलता हूँ, मज़ा भी आएगा, बड़ा मज़ा आता है खेलते टाइम जुआ, फिर वो बर्बाद हो जाता है। सर कुछ पैटर्न बता दीजिए जो इस समय आपको याद हो। स्टैंड मैंने बताया ना, जैसे मैं वो पैटर्न तो हर नंबर का बनेगा ना, 6 का पैटर्न बनेगा, ब्लैक फ्लो चल रहा है, ब्लैक का फ्लो चल रहा है, 6 का पैटर्न चलेगा तो क्या आएगा? 6 आएगा, 15 आएगा, 24 आएगा, 33 आएगा, इन सबका टोटल और सबका वो 26, 6 बनता है, 26 भी आएगा, 6 भी 26 में आता है।
अगर ब्लैक का पैटर्न चल रहा है, अगर कोई कलर का पैटर्न ही नहीं चल रहा और 6 का आएगा तो फिर तो 16 भी आ सकता है, 36 भी आ सकता है, 26 भी आ सकता है, फिर तो कई सारे पैटर्न ऐसे बनेंगे। ऐसे तो पैटर्न को ऐसा कोई रट्टा नहीं है कि, और अगर रट्टा है भी तो वो चलना भी तो चाहिए ना। एक बार 6 आने के बाद जरूरी थोड़ी कि 6 ही आएगा। 6 के बाद में अगर ऊपर वाला कॉलम चल रहा है और ब्लैक कलर चल रहा है तभी तो 6 के बाद 15, 24, 33 में से कोई नंबर आएगा। अगर ऊपर का कॉलम ही नहीं चल रहा है, कॉलम कोई भी नहीं चल रहा है, तो वो 6 के बाद में 26 भी दे सकता है। नेबर का चल रहा पैटर्न है तो 6 के बाद में 27 दे देगा, 27 के बाद 30 दे देगा, 30 के बाद 8 या 11 दे देगा। ये नेबर का पैटर्न चल रहा है। अगर तो स्मार्ट प्लेट 2.0, सर एक बात बोलना था, जब भी बड़ा विड्रॉ करता हूँ तो कंपनी एक बार विड्रॉल कैंसिल करती है फिर विड्रॉल देती है। हाँ तो वो उनकी देखो, कई बार टेक्निकल एरर हो सकता है, कई बार उनकी स्ट्रेटेजी हो सकती है कि थोड़ा सा लेट कर दो यार, क्या पता आदमी बहक जाए फिर खेलने लग जाए। आप मत बहको ना। अगर तो जो मैंने मेरे मेरा प्रोमो कोड यूज़ किया, मेरे बताए हुए प्लेटफॉर्म पे खेल रहे हो और अगर वहाँ कैंसिल हो रहा है एक बार का, दोबारा भी हो रहा है, अमाउंट बड़ा है, तो मुझे कॉन्टेक्ट करो, मैं करवा के दूंगा। 9B इंटरटेनमेंट, राकेश जी नॉट कमिंग ऑन आस्क राकेश, नहीं आज नहीं, मैं आस्क राकेश पर आने वाला, कल 3 घंटे के करीब लाइव था। तैयब मलिक, सर ये गैम्बलिंग एक बीमारी है, मैं कितनी दफ़ा जीत जाता हूँ सुकून तब आता है जब सब लॉस, जब तक सब लॉस ना हो जाए। ये कसीनो बीमारी है और बहुत खतरनाक बीमारी है, और ये दिमागी बीमारी है। हेलो मिस्टर ऋषभ, सर कसीनो की तरह हम क्यों नहीं सोच सकते? क्योंकि कसीनो बहुत बुद्धिजीवी लोगों ने बनाई है। कसीनो ऐसे हम हमारे यहाँ पे जैसे लोग नहीं बनाते, बहुत दिमागदार लोग बैठ के डिज़ाइन करते हैं। कभी देखा है कसीनो के अंदर लाल पीली बत्तियाँ को जलती हैं? बच्चों का पार्क है क्या वहाँ पे? रामलीला चल रही है जो लाल पीली लाइट लगा रखी, ताकि आपके खून में उबाल आता रहे, एग्रेशन रहे, लाउड म्यूजिक चलेगा, दारू देंगे, शराब पिलाएंगे, बियर पिलाएंगे, लाइटें ब्लिंक करेंगी बार बार, ताकि आप कुछ सोच ना पाओ, पजल होते रहो। दुनिया के किसी भी कसीनो में घड़ी नहीं मिलेगी, दुनिया का कोई कसीनो ऐसा नहीं है जिसमें खिड़की होगी ताकि आप बाहर की रोशनी देख सको। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते कि आप कब आ रहे हो, आप दोपहर को 2 बजे जाओ या रात को 2 बजे जाओ, आपको एक जैसा ही माहौल मिलेगा। आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा कि भी कब आपको 6 घंटे को खेलते हुए आपको लगेगा अभी तो आया हूँ। पूरा रणनीति बनाई है बॉस उन्होंने। हेलो बप्पी मोंडल, उमेश बंसल कह रहे हैं सर गैम्बलिंग का एंड रिजल्ट 0 ही होता है, आप गैम्बलिंग छोड़ने की सलाह देते हो फिर आप गैम्बलिंग करते हो? सर आपने देखा है मुझे गैम्बलिंग करते हुए? जब आपने देखा नहीं, मैंने दिखाया नहीं। मैं 2-4 महीने में कभी गोवा जाता हूँ तो अब मैं अपनी फैमिली के साथ इंटरटेन करने के लिए, गैम्बलिंग करने के लिए कसिनो में जाता हूँ कि भी बच्चे भी थोड़ा घूम फिर लेंगे, लाइव म्यूजिक देख लेंगे, बढ़िया खाना खा लेंगे, थोड़ा बहुत खेल के आ जाएंगे। या तो 0 हो जाएगा या बढ़ जाएगा, जो भी होता है नतीजा आपको आके बता देता हूँ। ऑनलाइन कसीनो में खेलता नहीं, वो ऑनलाइन में केवल खाली लोग बोलते हैं कि यार आप पैटर्न पैटर्न करते हो, ये करते हो, वो करते हो, कभी कुछ तो हमें खेल के दिखाओ, तो उनके लिए मैं बीच बीच में वीडियो बना देता हूँ, वो भी 3,000 रुपये डाल के। जब मुझे ज़रूरत थी पैसों की कोविड के बाद 1-1.5 साल, तो मैंने कसीनो की वजह से अपना घर चलाया है। छोटा छोटा अमाउंट जीतता था, रोज़ घर का राशन लेकर के आता था। धर्मेंद्र कुमार कह रहे हैं सॉरी सर बुरा मत मानना, राम मंदिर पर आप क्या मानते हो? मैं भी रैशनल हूँ बॉस, ना तो ये जगह है यहाँ पर, ये कसीनो का चैनल है, इसलिए मैं इस तरह के सवाल का जवाब नहीं दूंगा। दूसरा, इन सब चीज़ों के बारे में मेरी क्या राय है आप जानते हो, तो मैं उस बारे में बोलना नहीं चाहता ज़्यादा। ठीक है जी। सर सीविंग्स में मेरा अकाउंट वेरीफाई नहीं हो रहा है, कॉन्टेक्ट करो मुझे इंस्टाग्राम पे, मैं करवा दूंगा। मतलब जो भी आपके डॉक्यूमेंट वगैरह में होगा कमी, मैं आपको बता दूंगा या उनको भेज दूंगा। जे गेमिंग जोन, सर आपकी वजह से मैंने गैम्बलिंग बंद कर दिया है, 40,000 के लॉस हुआ था, आपने बोला था एंड रिजल्ट 0 ही है करके, तो मैंने बंद कर दिया। थैंक्स, आप मेरे गॉड हो, आपने मुझे बर्बाद होने से बचा लिया। मैं स्टूडेंट हूँ, सही टाइम पर आपने बचा लिया मुझे, वरना मैं कहीं का नहीं रहता।
अब अगर आपको लगता है कि मैंने आपको बचा लिया या मैंने आपको कोई सलाह दिया जिससे आप बच गए हो, तो ये इसका क्रेडिट आपको जाता है कि आप में इतनी समझ थी, इतनी हिम्मत थी, नहीं तो जुआ इतना बड़ा एडिक्शन है कि निकल नहीं पाता है। और स्टूडेंट की एज में तो वैसे ही दिमाग में बड़ा एग्रेशन रहता है, तो ये आपको क्रेडिट जाता है कि आपने इतनी बड़ी हिम्मत दिखाई। अब मेरी एक गोल्डन सलाह और मानो कि आज के बाद मेरे कभी भी कोई भी जुड़ा हुआ किसी भी तरीके का कसिनो से जुड़ा हुआ कोई वीडियो मत देखना। ये बात ध्यान से मेरी बात मान लो, आज के बाद किसी भी कसिनो का वीडियो मत देखना, किसी का भी मत देखना, मेरा भी मत देखना, मेरे इस चैनल को अभी अनसब्सक्राइब करो और मत देखना। क्योंकि अगर आप देखोगे कोई बात दिमाग में क्लिक करेगी, आप जितनी मर्जी कोशिश कर लो आपके सबकॉन्शियस के अंदर वो बात जाएगी और एक ना एक दिन आपसे गलती हो जाएगी। तो आप किसी भी तरह के कसिनो के कोई वीडियो मत देखो, कोई ऐड मत देखो, ब्लॉक कर दो, मत देखो। नहीं तो आप बहक जाओगे, फिर आप कहोगे कि सर मैंने आपकी एक दिन बात मानी थी, थोड़े दिन बाद नहीं मानी और मैं फिर नुकसान में हो गया। ये बात ध्यान रखना, तुरंत मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब करो अभी और इसके बाद मेरा वीडियो मत देखना। अगर मेरे वीडियो देखने हो ट्रैवल एंड नॉलेज पर आओ, आस्क राकेश पर आओ, दुनिया भर की बातें करेंगे, जुए की कोई बात नहीं होगी। वह दोबारा जिंदगी बार बार मौका नहीं देगी, आपके अंदर हिम्मत थी, आप निकल आए। हेलो गेम शॉप रोहन देसाई, सर कसिनो प्ले करने का बेस्ट टाइम कौन सा होता है आपके हिसाब से, जिसमें माइंड वो टाइम पे कंट्रोल होता है, ऐसा कौन सा टाइम हो सकता है? देखो जनरली मैं कोशिश मेरी, मैं ऑफलाइन कसिनो में जाता हूँ, तो मुझे ना लेट नाइट खेलना पसंद नहीं है। मतलब मेरे को रातों को, मुझे नाइट लाइफ ही नहीं पसंद है। मतलब मेरे को बात जुए की नहीं है, कसिनो की नहीं है, मुझे रातों को घूमना, सड़कों पे भटकना और मुझे वो शोर शराबा लाउड म्यूज़िक पसंद नहीं है। कभी कभी मैं, मान लो कभी कुछ कोई फ्रेंड्स बन गए, उनके साथ मैं कभी पब चले गया कोई नाइट लाइफ को एंजॉय करने के लिए, पर मुझे वो ज़्यादा समझ में नहीं आता है। तो मैं जो गैम्बलिंग को भी, मैं कसिनो भी जाता हूँ, तो मुझे दिन में जाने का ज़्यादा शौक है। जा नहीं पाता वो बात अलग है, कई बार शाम हो जाती है, लेट हो जाती है, पर मैं अपनी तरफ से जो प्रेफरेंस रहती है दिन में, मैं हमेशा दिन को बड़ा पॉजिटिव मानता हूँ, होता भी दिन पॉजिटिव है, रात नेगेटिव होती है, नेगेटिव एनर्जी से भरी हुई होती है। सब शराब पी रहे हैं, जुआ चल रहा है, शोर चल रहा है, पब है, डिस्को है, तो मैं जनरली दिन को ज़्यादा लाइक करता हूँ। फिर कभी ये मत बोलना कि देखो आप यहाँ पे रात को घूम रहे हो, वो कभी मैं ना कर पाऊँ वो बात अलग है। आपने मेरे से पूछा कि मैं किसको चाहता हूँ, तो मैं दिन बेस्ट टाइम है किसी भी चीज़ के लिए। नितेश राघव, लास्ट क्वेश्चन सर, इज बॉल इज कंट्रोल्ड बाय मैग्नेट इन रूलेट? नहीं, नॉट पॉसिबल यार, वो यूट्यूब वगैरह वीडियो पढ़े पर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि चलो ये तो ऑटो रूलेट है, आप कह दोगे नेपाल वगैरह के अंदर या डेल्टिन रॉयल कसिनो गोवा के अंदर तो मैनुअली बॉल घुमाते हैं, वो बॉल घूम के गिर नीचे गिर जाती है, हम लोग उठा के देते हैं, हमारे सामने बॉल गिरती, क्या होता है व्हील ऐसे घूमता है, बॉल ऐसे घूमती है, तो अपोजिट टकराती तो नए नए तरीके से गिरती है, कई बार तो हमें लगता है अरे यार ये बॉल ऐसे कैसे गिर गई। ये मेरा मानना है, बाकी मैं इस पर कोई दावा नहीं करता हूँ, तो इसलिए इसमें बहस नहीं होनी चाहिए। नितेश राघव का हो गया। संतोष दुबे, हाय सर, बहुत से लोग रूलेट का कोर्स बनाकर बेच रहे हैं, सर इसके बारे में आपकी क्या राय है, इसका कोई फ़ायदा होगा? आप खरीद के देख लो, मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला कि हमने 5,000 में, 25,000 में, 40,000 में भी कोर्स खरीदे हैं और उसमें निकला कुछ नहीं, वो सारी बातें आपने फ्री में हमें अपने वीडियो में बता रखी है, क्या बताएंगे कोर्स में? आप मुझे बताओ, चलो आप मान लो आप गए कोर्स करने रूलेट का, क्या बताएगा वो आदमी, किस नंबर के बाद कौन सा नंबर आता है, कैसे देखना है, कैसे पता लगाओगे किस नंबर के बाद कैसे कौन सा नंबर आएगा, हिस्ट्री पढ़ के ना। तो मैंने हमेशा बोला कि नंबर खुद बताते हैं कि कौन से नंबर आने वाले हैं अगले 2-4 नंबर के बाद में, कैसे खेलना है, कम से कम नंबर कवर करो, बहुत सारी चीज़ें मैंने बताई है। अगर फिर भी आपको लगता है तो करके देख लो कोर्स, उन्हें मालूम है कि हिंदुस्तान में आबादी इतनी ज़्यादा है और बेवकूफ़ों की कमी नहीं है, लोग ट्राई ट्राई करने में ही उनके पास इतना आ जाएगा कि उनका माल बिक जाएगा, लोग ट्राई करने में ही बहुत सारा उनको प्रॉफिट दे देंगे ना। मान लो आप कहोगे करके देख लेते हैं, मेरा क्या, मेरा तो 5,000 ही जा रहा है, पर आपके जैसे अगर 1,000 आदमियों ने भी सोच लिया तो सोचो। ऋषभ कह रहे मेरा कमेंट, सर आपका कमेंट मैंने देखा था, उसमें क्या पढ़ूँ मैं? अब मिल ही नहीं रहा आपका कमेंट। ऋषभ हेलो सर आया आपका, उसके बाद कौन सा आया था? ये आया मेरा कमेंट,
माय मेरा कमेंट लेफ्ट ये छोड़ दो लिख खेलना ये। अब इसको मैं क्या पढ़ू, आपने दुनिया को तो मैसेज दिया है, उसमें मैं क्या पढ़ू, कोई सवाल थोड़ी जो मैंने आपका जवाब नहीं दिया। ट्रेवल बडीज राकेश जी, डबल बॉल रूलेट गेम में दोनों में से कोई एक बॉल भी नंबर पे आएगी तो 18 टाइम मिलता है, और अगर दोनों बॉल एक ही नंबर पर आएगी तो 1300 टाइम टाइम्स है, क्या आपने इसे ट्राई किया? नहीं, मैंने इसे ट्राई नहीं किया क्योंकि मैं ना एक्सपेरिमेंट नहीं करता हूँ। मैंने बोला ना कि मैं पैराडॉक्स ऑफ चॉइस का शिकार नहीं हूँ, मेरे को जो चीज़ समझ में आती है, जैसे मैं वो एक लाइटिंग बुलेट मैंने चुन रखा है जिसमें वो स्प्लिट नंबर पर और किस कॉर्नर पर भी जैकपॉट दे देता है, या मैं क्लासिक रूलेट, तो मैं ज़्यादा पंगे लेता नहीं हूँ, एक्सपेरिमेंट में करता नहीं हूँ। प्लीज़ सर, आपका विज़न क्या है, प्लीज़ बताएं, आप ट्रिप पर जाते हो, क्या रीज़न है? विज़न कुछ नहीं है, नए लोगों से मिलना, नए देश घूमना, ये मेरा एक शौक है, नए नए लोगों से मिलना, नई जगह पर रहना, और जो जगह अच्छी लगी वहाँ पर बार बार जाना। मान लो मुझे कोई देश अच्छा लगेगा तो मैं वहाँ बार बार जाता हूँ, जैसे मेरे को नेपाल में मैं 5 बार गया हूँ, यहाँ थाईलैंड में मैं दूसरी बार आया हूँ, दुबई में 2 बार जा चुका हूँ 3 महीने के अंदर, तो जो जगह अच्छी लगती है वहाँ बार बार जाता हूँ, नई जगहों की तलाश करता रहता हूँ। दूसरा ये कि अब इंडिया में मेरी रहने का मन नहीं करता क्योंकि मेरी सोच वहाँ के लोगों से मैच नहीं करती, और वहाँ के लोगों की सोच मुझे बहुत तकलीफ दे रही है कि मतलब लोग कैसे सोचते। बिजनेस बिजनेस का तो क्या, मैं 1 साल के अंदर मैं 7 देश घूमूँ तो 7 देश में क्या बिजनेस ही कर रहा हूँ क्या, एक एक महीना रह के? सर रोलिंग में जो 1.5% देते हैं वो 7 टाइम रोलिंग करना पड़ता है, तो वो सब ट्रैप है, उसमें उसमें कमाते कमाते तो रहोगे थोड़ा थोड़ा, पर वो आपके पास में रोलिंग के चक्कर में काफ़ी लिक्विडिटी रहेगी जिसमें कभी भी आप बहक करके पूरी रकम एक दिन में गंवा दोगे। कसिनो पूरी कोशिश करता है कि आप पैसे लेकर के कसिनो में रहो, होल्ड करो, क्योंकि बहक तो जाओगे ही आप। तो रोलिंग करने वालों को मैंने बहुत देखा है, बड़ा वो रोलिंग रोलिंग में पैसा कमाते हैं, फिर एक दिन कहते हैं अरे यार उस दिन ना वो उसके चक्कर में गलती हो गई, उस दिन 2 बैग ज़्यादा पी लिए थे और सारा पैसा दे दिया, सब रोलिंग धरी रह जाती है। छोटे अमाउंट से अगर हार भी जाओ तो खून खुंदक पैदा नहीं होती, हाँ इसीलिए कहता हूँ छोटे अमाउंट से खेला करो। विकास बारीकी, सर मैं 2 दिन जीत रहा हूँ 1 दिन हार रहा हूँ, उस हिसाब से मंथ में 15,000 हो रहे हैं, उसको कंटिन्यू खेलूँ माइंड कंट्रोल रखे के खेलो के, प्लीज़ रिप्लाई सर। नहीं मेरे ख्याल से देखो इसको कंटिन्यू मत करो, गैप ले लेके के खेलो, अगर लगातार खेलोगे तो आप हार जाओगे, हारने की संभावना बढ़ती चली जाएंगी, बाकी आपकी मर्जी है। अमनदीप सिंह, क्या आईपीएल में बैटिंग करके पैसा बन सकता है? जुआ कोई भी है, जुआ कहीं पर भी खेलोगे आप पैसा बन भी सकता है, और जुए का एंड रिजल्ट 0 भी होता है। सी विंस का प्रोमो कोड, मेरा प्रोमो कोड यूज़ करना है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे मांग सकते हो या इसी चैनल के कम्युनिटी पोस्ट में आप नीचे जाओगे तो आपको मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं अगर प्रोमो कोड बताऊँगा तो फिर मुझे वो लेबल लगाना पड़ेगा प्रोमोशन वाला, या चलो मैं उसको लगा देता हूँ, मेरा प्रोमो कोड है 8664944, आपकी मर्जी है, यूज़ करना करो, नहीं करना है मत करो, मेरा प्रोमो कोड यूज़ करोगे आपको उनकी तरफ से कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, मेरी तरफ से इतना हो जाएगा कि भी कल को अगर आपको कभी कोई पैसा अपडेट नहीं हो रहा है या वे अकाउंट वेरीफाई नहीं हो रहा है या विड्रॉल लेट हो रहा है या कोई दिक्कत आ रही है तो मैं आपके बिहाफ पे उनको मेल भेज सकता हूँ, तो इतना ही बेनिफिट होगा, मैं कोई झूठी वो चीज़ें नहीं बोलूँगा कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। उमेश बिंद, सर गैमलिंग में हारने पर गिल्ट होता है और रिकवरी के लिए खेलना पड़ता है, तो ऐसे ही चलता रहेगा आपका, हारोगे गिल्ट होगा फिर रिकवरी करोगे फिर हारोगे फिर यही, तो कब तक अपना टाइम एनर्जी को खराब करोगे? लगभग 3-4 महीने बाद गैमलिंग किया, 1500 से 10,000 बनाया और सब हार गया, अब तो मैं आपकी तरह 1:3 के रेशो करने के लिए खेलूँ ये जुआ या छोड़ दूँ जैसा आप बोलते हो? छोड़ दो, इमीजिएटली छोड़ दो,
इमीजिएटली जुआ छोड़ दो मेरे, मैं क्या करता हूँ, मैं क्या बोलता हूँ उसको, सबको भूल जाओ, जुआ छोड़ दो, एंड रिजल्ट जीरो हो जाएगा, बर्बाद हो जाओगे इसमें, बता रहा हूँ, बहुत लॉस हो जाएगा। दीपक अच्छर, ऑनलाइन रूलेट खेलना नहीं चाहिए सर, ट्रैप करता है बहुत से नंबर को, कर्जा लेके खेलने पर हम खुल के क्यों नहीं खेल पाते, क्योंकि कर्जे का हावी है ना, डर डर रहता है ना कि यार यार ये पैसा जो है जीतना ही जरूरी है, अगर नहीं जीता तो उसका वापस कैसे करूँगा, इसलिए कभी भी लोन लेके कर्जा लेके कभी भी नहीं खेलना चाहिए। मेरा एक स्ट्रेटेजी है आपका साथ शेयर करना चाहती हूँ। ऋषभ रतिलाल कह रहे हैं सर आप जिंदगी में कैसे आगे बढ़े और इतने सेफ जोन में हो उसके बारे में शॉर्ट में थोड़ा बताएं, हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। बॉस ये कसिनो के ही मैं यहाँ पर जवाब देता हूँ, अपनी ज़िंदगी डिस्कस नहीं करता हूँ, मेरी ज़िंदगी डिस्कस करने के लिए ट्रैवल एंड नॉलेज मेरा चैनल है, मेन चैनल, वहाँ पर मैं वीडियो डालता हूँ, जो भी मेरी दिमाग की सोच होती है, साइकोलॉजी फिलोसफी, वो मैं बात करता हूँ अपनी। और अभी मैंने एक नया चैनल शुरू किया आस्क राकेश, वहाँ पर कोई भी, वहाँ पर मैं सिर्फ कोई वीडियो नहीं डालता हूँ, वहाँ पर मैं सिर्फ लाइव आता हूँ और लाइव जैसे यहाँ पे आया हूँ ऐसे सवालों के जवाब देता हूँ। ये सवाल आप वहाँ पूछ सकते हो मुझसे आस्क राकेश चैनल पर। पर एक बात ध्यान रखना, कोई भी अगर आस्क राकेश चैनल पर जाता है या ट्रैवल एंड नॉलेज चैनल पर जाता है, वहाँ पर गैम्बलिंग कसीनो की पैसों की बात मत करना, जिंदगी से जुड़ी हुई कोई भी बात करनी है कर सकते हो आप। क्या ऑनलाइन कसीनो में चीटिंग होती है? मान लेते हैं अगर होती है तो आप छोड़ दोगे, तो मैं कहता हूँ होती है, आप छोड़ दो इसको। विकास बारिकी सर वन वीकली 6,000 टारगेट करूँ तो 3 दिन में खेलूँगा और 25,000 करके देख लो बॉस, करके देख लो। मैं कहूँगा नहीं बन सकते या मैं कहूँगा बन सकते हैं, आप मेन चीज़ ध्यान रखना पेशेंस होना चाहिए, जिद में नहीं आना और टारगेट राउंड फिगर में मत रखना। अगर आपने 6,000 का टारगेट रखा है तो 5,900 भी हो, 950 हो, 5,400 हो, 5,300 हो, 4,800 हो, निकल आना, जीत पे मत रहना कि राउंड फिगर के चक्कर में पूरा पैसा जीरो हो जाएगा। ओके सर आपकी बात मानकर आज से जिंदगी में हमेशा के लिए जुआ खेलना बंद। बहुत बढ़िया, मत खेलना, बहुत बड़ा ट्रैप है, बाद में पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि पैसा तो जाएगा जाएगा, टाइम एनर्जी भी चली जाएगी। स्मार्ट प्ले 2.0, अरे यार मेरा उधर वीडियो लाइव है, आप सब लोग यहाँ बैठे हो तो कौन देखेगा वो वीडियो। ट्रैवल एंड नॉलेज पर मैंने एक वीडियो का शेड्यूल लगाया था, मैंने सोचा था उससे पहले मैं यहाँ लाइव खत्म कर दूंगा, पर सबके जवाब देने के 11:30 बज गए, 11 बजे का वहाँ पर मैंने वीडियो लगाया था। अभी यहाँ पर बैंकॉक में इस समय 11:25 हो रहे हैं, वहाँ बैंकॉक के हिसाब से मैंने 11 बजे का शेड्यूल लगाया था, मतलब इंडिया 1.5 घंटे पीछे है टाइम में। शेफ मेहर आप कहाँ बैंकॉक में हो अभी, विच होटल यू स्टे सर? मैं इस समय सुखमित में हूँ, नाना मेट्रो स्टेशन के आसपास है मेरा होटल, और मैं सुबह यहाँ से चले जाऊँगा तो इसलिए बताने का फ़ायदा नहीं है। मैं चेंगमाई जा रहा हूँ, चेंगमाई से मैं वापस आऊँगा तो मैं यहाँ रुकूँगा, तब आप मिल लेना अगर मिलना हो तो, अगर मैं यहाँ रहा तो। सर आप सही बताओ आपके हिसाब से क्या चीटिंग होती है प्लीज़ सर? मुझे लगता है कि कभी कभी होती है, अक्सर नहीं होती है, अगर अक्सर होगी तो ट्रस्ट खत्म हो जाएगा लोगों का, तो कभी कभी होती होगी ऑनलाइन गेम में कुछ यार, तो मैंने भी ऐसी चीज़ें नोटिस करी हैं कि बड़ी अजीब सी लगती हैं, पर आई एम नॉट डैम श्योर, तो ठीक है। नहीं मैं इंडिया नहीं जा रहा, इंडिया तो मैंने बताया ना, मैं इंडिया तो अभी नहीं जा रहा। सर आई वर्क नियर नाना सुखमित, विच होटल यू स्टे? मैं सुबह यहाँ से चले जाऊँगा तो कल मैं आप पूछ लेना, कल बता दूंगा, अभी बताने का फ़ायदा क्या है, क्योंकि आप हो, आपके अलावा और भी कई लोग होंगे, कोई मिलने आ गया फिर आपको पता पूरी रात काली हो जाएगी। आप कल किसी भी वीडियो में कमेंट करना, मैं बता दूंगा मैं कौन से होटल में रुका था। अमनदीप सिंह कई आपके लेफ्ट साइड में खिड़की थी आज, वहां वॉल नहीं है बॉस, ये है ना, ये लो ये खिड़की खुल गई।
वॉल नहीं है, वो स्लाइडिंग डोर है। वो खिड़की थी, खोल दी मैंने। विकास बारी की कह रहे, सर आप मेरे गुरु हो, आप पहले बोलो, बोले बोले थे कंटिन्यू जीत नहीं होगा, और अभी जो बोले आपकी बात मानूंगा। गुरु जी गुरु जी गुरु जी मत किया करो, बस जो मैं सही बात बता रहा हूँ उसको अपना लिया करो, जो गलत बात आपको लगे उसको मत अपनाओ। ओके शेफ मेहर, मैं दोबारा जब बैंकॉक में आऊँगा, अभी मैं जा रहा हूँ चेंग माई और उस नॉर्दर्न थाईलैंड की तरफ, आपको तो मालूम होगा, वहाँ से जब मैं आऊँगा यहाँ कुछ दिन स्टे करूँगा तो आपको मालूम पड़ेगा, किसी ना किसी वीडियो के थ्रू, ट्रैवल एंड नॉलेज के थ्रू मालूम पड़ जाएगा। तो आप चाहो तो मिल सकते हो, रुकूँगा यहीं आसपास ही कहीं रुकूँगा। चलो दोस्तों मैं अभी लाइव बंद कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ना भूख बहुत लग रही है। आज ना मैं बहुत पैदल चला हूँ, मतलब मैं कई किलोमीटर पैदल चला हूँ आज, तो श्रीलंका मैं ऑलरेडी जा चुका हूँ अमनदीप सिंह, तो श्रीलंका में 15 दिन रहा था, अच्छी कंट्री है, दोबारा भी मौका मिलेगा तो जाऊँगा मैं। इट्स डिपेंड ऑन माई मूड, बींग प्रिडिक्टेबल इज़ बोरिंग, तो मैं कुछ भी चीज़ डिसाइड नहीं करता हूँ। और KIL99 एक्चुअली में ना मैं जानबूझ करके आपका कमेंट नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि मुझे कोई नई स्ट्रेटजी नहीं जाननी है, क्योंकि क्या होता है कि इससे फिर दिमाग में, और मैं खुद कभी कसीनो के वीडियो नहीं देखता हूँ ताकि मेरे दिमाग में किसी और का आइडिया ना आए, इसलिए मैं जानबूझ करके आपको इग्नोर कर रहा हूँ। कम टू माई रेस्टोरेंट, आई एम ऑन जॉब नाउ सर, आई कुक फॉर यू नाइस फूड। यार मुझे भूख भी लग रही है बहुत, पर आपका ना वो दूर होगा, जो भी आपका जो होटल है रेस्टोरेंट है वो दूर होगा, तो अभी मैं निकलूँगा नीचे देखूँगा। मैं तो ज़्यादातर स्ट्रीट फूड वगैरह खा लेता हूँ, फ्रूट सैलेड या कुछ भी ऐसी चीज़, या कभी कभी हैवी भी खा लेता हूँ। नहीं डिनर करके आस्क राकेश पर आऊँगा तो फिर बहुत देर हो जाएगी ना बॉस, अभी तो देखो यहाँ पे 11:30 बज रहे हैं और मैं अब खाना वाना खाने जाऊँगा, आधे पौने घंटे में आऊँगा खा के, सुबह मेरा यहाँ से चेकआउट भी है, फिर मैं आस्क राकेश पर आऊँगा लाइव, तो फिर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसकी एनर्जी भी तो चाहिए होती है ना इतनी। तो आज मैं काफ़ी भटका था, उसके कुछ वीडियो भी मेरे को एडिट कर डालने ट्रैवल नॉलेज पर, उसके लिए मेरे पास कल के लिए वीडियो भी नहीं है, कल मैं सफ़र में रहूँगा सारा दिन। और अभी मैंने एक वीडियो डाला है 11 बजे, यहाँ के 11 बजे के हिसाब से लाइव हुआ होगा, तो वो आप लोग चाहो तो देख लेना। तो लोग देखते हैं, लाइक नहीं करते हैं, शेयर नहीं करते हैं, या वो सब नहीं करते, तो इस चक्कर में चैनल भी नहीं आगे बढ़ा कभी मेरा, और मैं भी नहीं बोलता हूँ। तो चलो कोई बात नहीं, स्मार्ट प्ले आपके बहुत कमेंट पड़े हैं, अब मैं जाऊँगा नहीं तो फिर कमेंट आते रहेंगे, तो फिर लोगों के कमेंट आते रहेंगे और मैं कमेंटों को पढ़ता रहूँगा, तो मैं यहाँ बैठा रहूँगा, मुझे भूख लग रही है और कोई बात नहीं है। तो आप लोग चाहो तो गुड नाइट बोल सकते हो। ओके गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, शब्बा खैर, सकारात्मक रहना, जुआ छोड़ देना, जुए का एंड रिजल्ट 0 ही होता है, लोगों की बातों में मत आना, अपनी अकल लगाना। गोवा से काजू का पैकेट लाया था, आधा बचा है, क्योंकि इस बार मैंने बहुत छोटा सा बैग कवर किया है ना, मैं लेके चला हूँ, सिंगापुर गया था या दुबई गया था, 5 पैकेट लेके गया था। थैंक यू शेफ मेहर, आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लेना, क्योंकि मैं आपको कैसे कांटेक्ट करूंगा कमेंट के माध्यम से, तो आप इंस्टाग्राम पर मेरे को राकेश साइक्लिस्ट के नाम से मेरी आईडी है, लिंक किसी ना किसी वीडियो के नीचे भी मिल जाएगा आपको, तो वहाँ पर आप अपना मैसेज डाल देना मुझे, कभी बाई चांस कभी हो सकता है आपकी ज़रूरत पड़ जाए।
गोवा के काजू बहुत टेस्टी होते हैं। मैंने एक बार दुबई में खरीदे थे, बहुत पत्थर जैसे काजू थे। गोवा के तो चॉकलेट की तरह मुंह में मेल्ट हो जाते। गोवा मशहूर है काजू के लिए। अब मैं कोई कमेंट नहीं पढ़ पा रहा, मैंने नीचे कमेंट का बंद कर दिया। फिर मिलेंगे जल्दी ही अगले लाइव में। जुआ छोड़ देना, ये बात ध्यान रखना, मैं जो मर्जी ट्रिक स्ट्रेटेजी बता दूं, एंड रिजल्ट जीरो होगा, निकल जाओ इससे। ओके, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, शब्बा गैर, पॉजिटिव रहना, पॉजिटिव सोचना।